Okay. <laughs> okay. Hi, guys. This is Darshan Khar reporting live from Pune with the cameraman Darshan Khare, And good morning to everyone. Uh, so, at last, we are at the demo live lecture of the law. Uh, वो भी सी ए इंटर के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सबको विश कर दू जितने भी लोग हैं ऑनलाइन ओंकार विचारे तेजस्विनी रोहित शुभम रवि मुकुल मुकुलवरी वन वेलकम टू दी ए इंटर लॉ लेक्चर दिस दशनकर रिपोर्टिंग लाइव फ्रॉम पुणे ठीक है फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग सबको नमस्कार ठीक है सबको <coughs> मेरी क्रिसमस क्योंकि आज है ट्वेंटी फिफ्थ ऑफ डिसंबर और इंडिया में भी और पूरे दुनिया में भी ये त्यौहार बहुत अच्छे से मनाया जाता है सो मेरे क्रिसमस टू ऑल ये आने वाला साल 2020 तो कैसे गया सबको मालूम है पर ये आने वाला साल आपके लिए बहुत अच्छा रहे ये मेरे विश है और इसी साल के अंदर आप सी ए इंटर पास हो जाओ ये भी मेरे विश है और अगले तीन साल के अंदर आप सी ए फाइनल भी हो जाओ ये भी मेरे विश है ठीक है सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग प्लीज मुझे बताइए कि मेरी ऑडियो और वीडियो क्लियर है क्या क्या मेरी आवाज क्लियर है क्या आपको वीडियो क्लियर है ये मुझे एक बार जस्ट कमेंट में बता दीजिएगा सो हम हमारे लक्की के साथ में शुरू कर देंगे ठीक है फटाफट फड़ बताइएगा बच्चों चलो बहुत ही बढ़िया शानदार सबको आवाज क्लियर है अब अगर नियरली पांच सात लोगों ने बोला है कि आवाज क्लियर है और किसी को अगर आवाज क्लियर नहीं आ रही है मतलब शायद उनके हेडफोन या उनके फोन में दिक्कत हो सकती है तो थोड़ा हेडफोन और फोन चेक करके देखिए क्योंकि लाइव स्ट्रीम में मुझे सब ऑल क्लियर दे रहे हैं ऑडियो और वीडियो का सो आई गेस दिस इज द बेस्ट टाइम जिसके अंदर हम जा सके शानदार नब्बे से सौ लोग अभी लाइव स्ट्रीम में है बहुत खुशी है मजा आ गया जिंदगी में सुन के नब्बे से सौ लोग लाइव स्ट्रीम में है बहुत बढ़िया बच्चों रेपो बनाए रखना अगला डेढ़ घंटा आपके लिए काफी होगा ये मैं बोल सकता हूं जो लोग इसके पहले मुझसे सीए फाउंडेशन में पढ़े हैं फ्री लेक्चर्स के थ्रू या पेड लेक्चर्स के थ्रू उन सबको भी वेलकम आपका ये लेक्चर हो सकता है थोड़ा आपके लिए बेसिक्स का रिपीटेशन होगा पर कोई भी पढ़ाई के अंदर चीज रिपीट होना इसे हम रिवीजन कहते हैं तो आपके कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर होंगे सो कोई भी डरने की जरूरत नहीं है स्टार्ट विदेंट एंडस्ट एंड फोरमो थिंग जो मैं आपको बोलना चाहूंगा मैं आपको यहां से एक मिनट देना चाहूंगा सबको एक बहुत ही प्यारी नोट मैंने बनाकर रखी है आप सबके लिए बहुत अच्छी नोट मैंने आप सबके लिए बना के रखी है फॉर सी ए इंटर लॉ डेमो के लिए ठीक है सी ए इंटर लॉ की वैसे ये नोट्स में सभी को बेसिक्स ऑफ लॉ में देता हूं बेसिक ऑफ लॉ की मैंने एक बहुत प्यारी मल्टी कलर नोट बना के रखे जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी तो यहां से मैं आपको देना चाहूंगा मिनट फटाफट वो नोट्स डाउनलोड कर लीजिए अगर आप लैपटॉप पे देख रहे हो तो नोट्स आपके मोबाइल में पीडीएफ में ओपन रखे अगर आप मोबाइल पे देख रहे हो तो कहीं और आप ओपन रख सकते हो या उसको शफल करके भी आप देख सकते हो अगर आप मोबाइल से ही लेक्चर कर रहे हो तो यहां से मैं आपको सिर्फ एक मिनट देना चाहूंगा फटाफट नोट्स डाउनलोड कर लीजिए तो हम फटाफट हमारे लेक्चर्स के साथ में शुरू कर सकते हैं ठीक है सो जस्ट गो फॉर इट एक मिनट के अंदर आप प्लीज नोट्स डाउनलोड कर लीजिए बच्चों ओके सो आई होप सो सबने नोट्स डाउनलोड कर ली होगी सो बेसिक्स ऑफ लॉ के नोट्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है वन सेकेंड रिपीट वो नोट्स आप यहां से डाउनलोड कर सकते हो अब ये जो YouTube के लाइव लेक्चर्स है इन लेक्चर्स के बारे में पहले थोड़ा सा आपको कमेंट कर दूं और ये लेक्चर्स किसके लिए अपलीकेबल है ये भी मैं आपको बोल दूं, ठीक है सो लेट्स गो स्टार्ट करते हैं कॉन्सेंट्रेट करना अच्छे तरीके से सो so, सबसे पहली बात ये इंटर लॉ के जो लेक्चर्स है बच्चों ये बेसिकली है फॉर मे ट्वेंटी मे दो हजार इक्कीस एंड यह लेक्सल है फॉर नवंबर दो हजार इक्कीस अब बहुत सारे बच्चे मुझे सवाल करते हैं सर मे ट्वेंटी वन और नवंबर ट्वेंटी के लिए लेक्चर्स अप्लीकेबल है तो इन लेक्चर्स के में क्या अमेंडमेंट्स कवर्ड है एक बहुत बड़ा सवाल एक सवाल हमेशा बच्चों को बहुत जोर से आता है सर बहुत जोर से सवाल आया है क्या इन लेक्चर्स के अंदर अमेंडमेंट कवर्ड है ठीक है सो सबसे पहली चीज मैं डिक्लेरेशन देना चाहूंगा जैसे डीटी में आपको विजय सर ने डिक्लेरेशन दिया होगा वैसे ही मैं आपको यहां पर डिक्लेरेशन देना चाहूंगा कि अमेंडमेंट किस तरीके से कवर्ड है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है और एग्जाम के दो महीने पहले बच्चे इसके अंदर बहुत सारे ट्विस्ट चेंजेस कर लेते हैं और खुद की पढ़ाई भी छोड़ देते हैं तो ये चीज हमारे साथ ना हो इसलिए मैं पहले ही डिक्लेयर कर क्या इसके अंदर अमेंडमेंट हमने कवर किए गए तो सबसे पहली चीज अमेंडमेंट कवर किए है या नहीं है ये जोर से जो सवाल आया है सब बहुत जोर से सवाल आया है अमेंडमेंट कवर्ड है क्या तो ये जो आपको सवाल है इसका मैं एक सिंपल आंसर दे दू पहली बात तो आपको ये समझना पड़ेगा अमेंडमेंट कौन से डेट तक क्या आपको अप्लीकेबल है सो मे ट्वेंटी के लिए जो अमेंडमेंट अपल होते हैं वो अप्लीकेबल होते हैं अपटू थर्टी फर्स्ट ऑफ ऑक्टो क्टोबर 2020, थाउजेंड ऑफ अक्टूबर 2020 तक जो भी डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट इन केस ऑफ कंपनीज एक्ट इज अ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एमसीए ठीक है तो मुझे आपने बताना है अगर आपको कमेंट्स के अंदर कोई दिक्कत है तो थोड़ा चैट बंद करके आपने कमेंट्स के अंदर मुझे बताना है कि आपको इसमें से कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो सो थर्टी फर्स्ट अक्टूबर 2020 तक के मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स क्योंकि हमारे सिलेबस में कंपनीज एक्ट है बराबर है कंपनीज एक्ट है ना सो कंपनी लॉ था सो थर्टी अक्टूबर 2020 तक मिनिस्ट्री ऑफ सवाल है क्या सर इस बैच कवर्ड है तो मेरा आंसर बहुत बड़ा आंसर है यस yes. इसके अंदर सभी के सभी अमेंडमेंट्स आपके कवर्ड है टिल थर्टी फर्स्ट ऑफ अक्टूबर टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी यह चीज को आपने याद रखना पर पर, 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 पर. सर पर क्या पर 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 बच्चों एक बात आपने याद रखना मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने अमेंडमेंट बोल भी दिए तो इसको इंस्टीट्यूट ऑफ टार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया नाम सुना होगा इंस्टीट्यूट ऑफ टार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया जो पता है ना सुना तो होगा वो ये लोग सीए बनाते हैं आपने सुना होगा सुन कभी कभी सुना है बता देना मेरे को कभी सुना है क्या इस इंस्टीट्यूट का हाँ वही कॉलेज जिससे आप सीए कर रहे हो आपके रिलेटिव पहुंचते ना कौन से कॉलेज से सीए कर रहे हो तो यही वो कॉलेज है जिससे आप सीए कर रहे हो सो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स जितनी अमेंडमेंट बोलती है वो सबकी सब कभी एक्सेप्ट करती है कभी नहीं करती है फॉर एक्जाम्पल फॉर एक्साम्पल अगर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने हंड्रेड अमेंडमेंट बोले हैं है, तो एक कंपलसरी नहीं है कि इंस्टीट्यूट ऑफ ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट इंडिया पूरे के पूरे हंड्रेड एक्सेप्ट कर लेगी हो सकता है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया इसमें से नाइनटी अमेंडमेंट ही एक्सेप्ट करे हो सकता है कि सिर्फ 90 अमेंडमेंट ही इंस्टीट्यूट बोले कि हमारी सीए इंटर के जो बच्चे इनको टॉर्चर ना करना है भैया तो इनको सिर्फ 90 ही चीजें पढ़नी है 100 नहीं पढ़ानी है तो ऐसा भी हो सकता है ऐसा भी हो सकता है नाइनटी अमेंडमेंट के साथ में इंस्टीट्यूट कोई मॉड्यूल अपडेशन दे दे मॉड्यूल अपडेशन दे दे वैसे आपने देखा होगा कि अभी अभी सीए इंटर के और सीए फाइनल के मॉड्यूल अपडेट किए इंस्टीट्यूट ने अभी अभी कुछ पांच दस दिन पहले की बात है सो so, इंस्टीट्यूट इसके साथ मॉड्यूल अपडेशन दे दे कि भैया अमेंडमेंट के हिसाब से ये मॉड्यूल के अंदर चेंजेस है तो ये अगर होता है देखो मैं तो सभी के सभी अमेंडमेंट यहां पे सौ के सौ कवर कर रहा हूं हंड्रेड के हंड्रेड अमेंडमेंट्स में यहां पे कवर कर रहा हूं ठीक है ये चीज को आपने याद रखना है पर इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट की हरकत है ये हो सकता है कि सौ में से नब्बे बोले साथ में बोले तो यह आपको कैसे पता चलेगा यह आपको कौन बताएगा कि भैया नाइनटी अमेंडमेंट और मॉडल अपडेशन है तो ये चीज बताने के लिए आपको आना पड़ेगा YouTube चैनल के ऊपर विस्मार्ट का YouTube चैनल या मेरे YouTube चैनल के ऊपर आपको आना पड़ेगा ऑन टेंथ ऑफ मार्च 2021 क्यों सर टेंट ऑफ मार्च 10 मार्च ही क्यों क्या खास बात है 10 मार्च में नहीं आना हमको 10 मार्च में हमारी दो महीने के ऊपर एग्जाम है आप चाहते हो हम यूट्यूब के ऊपर आए बेटा जबरदस्ती नहीं है पर आना चाहिए क्योंकि आपको खुद को अपडेटेड रखना है तो ठीक है आपके भले के लिए करना पड़ेगा ऑप्शन नहीं है जिंदगी में so, सो 10 मार्च 2021 को आपने यूट्यूब पे आना है और यूट्यूब में ये 90 अमेंडमेंट कौन से और मॉड्यूल अपडेशन कौन सा है ये मैं डिक्लेयर करूंगा मतलब वैसे भी मैं अमेंडमेंट लेक्चर लेता हूं तो उसके अंदर डिक्लेयर हो जाएगा कि भैया सौ में से नाइन्टी अमेंडमेंट कौन से है वैसे इन लेक्चर में हम सौ के सौ कवर कर रहे हैं पर इसमें से नाइनटी कौन से है ये मैं वहां पे डिक्लेयर करूंगा ये मैं वहां पे बकायदा एक टेबल में बताऊंगा कि हमने कितने कवर किए और इंस्टीट्यूट ने इसमें से कितने अपलीकेबल किए राइट, राइट टिक राइट टिक राइट टिक जो नहीं इंस्टीट्यूट ने कवर किए उसके सामने रॉन्ग टिक होगा तो एक टेबल बना के मैं आपको दे दूंगा तो आपने ये लेक्चर देख लिया वो टेबल देख लिया आपको आइडिया आ जाएगा कि आपके पूरे के पूरे लेक्चर अपडेटेड है आपके नोट्स अपडेटेड है क्लियर कंसेप्ट सो आई होप ये चीज आपको बड़े अच्छे से समझ में आई होगी नियरली 125 लोग है लाइव शानदार तूफान जबरदस्त जिंदाबाद ठीक है मुझे एक बार सिर्फ बताइए कि ये अमेंडमेंट का कंसेप्ट आपको समझ में आएगा कौन से दिन आना है आपको 10 मार्च 2021 को कहां आना है यूट्यूब पे आना है बीस स्मार्ट का चैनल या मेरे चैनल वहां डिस्क्रिप्शन में आपको टेबल मिलेगा नोट्स मिलेंगे कि भैया सौ के सौ अमेंडमेंट एक्सेप्ट किए हैं या सौ में से नब्बे किए हैं या कोई मॉड्यूल अपडेशन है अगर ये चीज आपको समझ में आई है तो कृपया कमेंट के अंदर मुझे बताइए कि क्या आपको यह समझ में आया है या नहीं आया है। हाँ नवंबर ट्वेंटी वन के लिए मैं एक्सप्लेन करूंगा दिव्या टेंशन लेने की जरूरत नहीं पहले मे का समझ में आया क्या ये बताइए नवंबर ट्वेंटी का इसके हिसाब से ही समझ में आ जाएगा चलो बहुत बढ़िया सब लोग हाँ बोल रहे हैं इसका मतलब यह है सभी को समझ में आया जिसको नहीं आया थोड़ा रिवाइंड करके वापस देख लीजिएगा अब जो नवंबर 21 के लिए अपियर कर रहे हैं बच्चे जो नवंबर 21 हो सकता है मैक्सिमम बच्चे नवंबर 21 के लिए भी अपियर कर रहे हो कोई ऑप्ट आउट स्कीम वगैरह में जा रहा हो तो नवंबर 21 के लिए अपियर कर रहे हो तो नवंबर 21 के लिए आपने यूट्यूब पे किस दिन आना है मैं नवंबर ट्वेंटी के लिए चाहिए तो कलर चेंज कर देता हूं जिंदगी में आपके लिए कलर चेंज नवंबर ट्वेंटी वाले आपको यूट्यूब पे कब आना है तो आपको आना है दस सप्टेबर दो को ठीक है 10 मार्च 10 सितंबर एग्जाम के बकायदा 50 दिन पहले 10 सितंबर 2021 को आपने यूट्यूब पे आना है और 10 सितंबर 2021 को आपको इसी तरीके से एक और शीट मिलेगा एक और टेबल मिलेगा एक और नोट्स मिलेंगे और एक और लेक्चर मिलेगा जिसमें बताऊंगा कि भैया आपके लिए स्पेसिफिक अमेंडमेंट कौन से है क्लियर है क्योंकि नवंबर ट्वेंटी वालों के लिए तो अमेंडमेंट कौन से अप्लीकेबल होते हैं अप टू थर्टीएथ ऑफ अप्रिल दो अप टू अपटू थर्टीएथ अप्रैल दो हम तो अभी दिसंबर में ही है अप्रैल 30 30 नहीं मिस्टेक दो हजार इक्कीस और चार महीने दूर है यहां से तो उसके अमेंडमेंट में अभी से नहीं बता पाऊंगा पर जब आप दस सप्टेबर दो हजार स्मार्ट या मेरे चैनल के ऊपर आ जाओगे तो आपको वहां पे वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट विथ नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे मिल जाएगा तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है प्रोवाइडेड ये जो सभी लेक्चर्स मैं आपको दे रहा हूं ओरिजिनल लेक्चर्स रेगुलर लेक्चर्स ये आपने देखे हुए हो

10 सितंबर, क्लियर है कंसेप्ट ये दो ही डेट्स है जिस दिन आपके अमेंडमेंट यूट्यूब पे आ जाएंगे कंसेप्ट समझ में आया बच्चों चलो इसको नोट डाउन कर लो दो मिनट के अंदर फटाफट इट फ़ास्ट। चलो नोट डाउन हो गया बच्चों सबका आई होप सो लिख लिया होगा सबने ओके okay, किसी की क्वेरी है तो जस्ट दो मिनट के लिए होल्ड करना मैं जैसे ही आता हूं स्क्रीन के ऊपर मैं सबके क्वेरीज आंसर करूंगा किसी ने अभी क्वेरी पूछा है कि सर नवंबर 21 के लिए लेक्चर्स ले सकते हैं क्या हाँ बेटा बिल्कुल ले सकते हो पर जिस तरीके से मैंने अमेंडमेंट बोले वो कंप्लीट करना ना भूलिएगा नॉर्मली बच्चे लेक्चर लेते हैं बाद में अमेंडमेंट करना भूल जाते हैं वो आपने भूलना नहीं है अगर आप अमेंडमेंट करना ठीक से कंप्लीट कर रहे हो तो बिंदास लेक्चर ले सकते हो कोई दिक्कत नहीं मैं जिंदा हूँ और मैं पूरे लेक्चर्स आपके कंप्लीट करवाऊंगा

इसलिए हमारा अटैम्प भी एक महीने से पोस्टपोन हुआ था जैसे 2019 वाला उन्नीस पोस्टपोन हुआ था उसे 2019 का तो हो गया गया 2020 का तो मर ही ठीक है सो so, मैं पहले बच्चों को अटैप्ट की कसम दिया करता था लेकिन जब से मई 2020 का अटैम्प्ट मर गया तब से मैंने की कसम देना बंद कर दिया तो मैं आपको भी अभी अटैप की कसम नहीं दूंगा ठीक है सो so, मैं जून टू थाउजेंड नाइन में सीए कंप्लीट किया है हाँ मैंने कंपनी सेक्रेटरी भी कंप्लीट किया है दिसंबर 2010 में और मैंने बीकॉम भी किया है बीकॉम

साल से या छह साल से मैं सी इंटर पढ़ा रहा हूं और पिछले दो साल से मैं फाउंडेशन पढ़ा इंट्रोडक्शन so, हो गया मेरे बारे में सो so, आपको पता होगा कि टीचर है पढ़ा लेता है तो आपने अच्छे से पढ़ना है ठीक है मैं अज्यूम कर रहा हूं मैक्सिमम बच्चों का अटैम्प मई ट्वेंटी वन है या नवंबर ट्वेंटी है इन दोनों को मद्देनजर रखते हुए ये सभी के सभी लेक्चर्स होंगे ये लेक्चर्स के कुछ रूल्स है बच्चों ठीक है कुछ रूल्स है आपने क्योंकि देखो मैं लेक्चर तो ले रहा हूं यूट्यूब पे लाइव पहले पांच दस लेक्चर्स हमारे यूट्यूब पे लाइव होंगे कोई दिक्कत नहीं उसके बाद में हम आ, स्ट्रीमिंग वीडियो या फिर पेनड्राइव के अंदर आपको लेक्चर्स देंगे लेकिन ये लेक्चर्स करने के पीछे रूल्स है रूल्स बड़े अच्छे से याद रखना फर्स्ट एंड फोरमोस्ट रूल है लेक्चर पे समय पर आना और लेक्चर पे समय से जाना दूसरा रूल है ड्यूरिंग द लेक्चर आपके जो सेलफोन्स होते हैं वो आपने बंद रखने हैं ठीक है सर पर मैं तो सेल पे ही लेक्चर देख रहा हूं कैसी बातें कर रहे हो हाँ अगर सेलफोन पे लेक्चर देख रहे हो तो सिर्फ सेलफोन पे लेक्चर ही देखना अलग अलग मैसेज चैटिंग आ मेले बाबू ने थाना थाया, ये चीजें ना करना ठीक है बाबू थाना था ना था बिकॉज क्या है दस से साढ़े ग्यारह का लेक्चर है बहुत सारे लोगों का थाना थाने का ता, टाइम ये हो सकता है तो मेले बाबू ने थाना थाया ये पे, नहीं था तो भी बाबू का कोई फलक नहीं पलता बाबू भूखा रह गया तो भी कोई फलत नहीं पलता बाबू मल नहीं जाने वाला ले ले। so, ये समय पे आपने नहीं करना ना ही किसी को मैसेज करना तो पेरेंट्स को पता चलेगा बच्चा पढ़ रहा है और तुम यहां पर किसी और चीज में लगे हुए हो कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको हाँ ना तो ये चीजों को बंद रखना अगर किसी ने ड्यूरिंग दिस पीरियड सेलफोन यूज किया तो ये चीज को याद रखना मैं उसका सेलफोन चौबीस घंटे के लिए कॉन्फेस्टेट कर लूंगा ठीक है मैं घर पे पर कॉन्फेंसिकट करूंगा याद रखना आपको मेरे को यहां से यूट्यूब से सबके एड्रेस और लोकेशन पता चलते हैं ठीक है ठीके? मैं घर पे आके कॉन्फेंसिकेट करूंगा और उस सेल के ऊपर भी मैं ही चैटिंग करूंगा फिर मत बोलना सर मेरा अच्छा खासा रिलेशन चल रहा था और तुमने भसका दिया अब ब्रेकअप पर बात आ गई है सो ये चीज को याद रखना क्लियर है ये हो गया रूल नंबर टू रूल नंबर थ्री एक दो पेजेस की कोरी करकरी करी नवी नवेली गरम गरम बुक बनाओ ठीक है कोरी करकर नवी नवेली देखो कितने हंस रहे हैं नालायक लोग मेले बाबू ने थाना था बोला सभी के सभी दिख रहे हैं मेरे को कमिटेड लोग वहां पे कपल में झुंड में ठीक है सो एक दो पेजेस की कोरी करकरीत नवी नवेली गरम गरम बुक बनाना है जिसके अंदर आपके सी इंटर के सभी चार्ट्स और आंसर राइटिंग पॉइंट्स आएंगे हम सी एंटर में एक बहुत अच्छी चीज करवाते हैं बच्चों कि हम आंसर राइटिंग पॉइंट बनवा लेते हैं क्योंकि आपने फाउंडेशन में राइटिंग प्रैक्टिस नहीं की होगी तो सीए इंटर में हम काफी सारी राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं मतलब हर एक सेक्शन की स्पेसिफिक आंसर राइटिंग पॉइंट हम ड्राफ्ट कर लेते हैं जिससे एग्जाम में आपको इनसे टैकल करने के लिए मदद मिलेगी कुछ चीजें मैं अफ्रंट मेरे तरफ से डिक्लेयर कर दू जैसे हम हर बैच अभी जरा इसको ठीक से सुनना, हंसना हंसना बंद बंद करो, करो। नालायक को, बंद करो। so, मैं आप को ये दांत निकाल टीचिंग के साथ टीचर भी डेवलप होता है जैसे स्टूडेंट सीखते हैं सीखता है हम हमारे पास्ट बैच के रिव्यूज लेते हैं और पास्ट बैच के रिव्यूज से हमें जो चीजें लगती है हम उसको यहां पर डिस्कस करते हैं कुछ एक दो ड्रॉबैक आपने भी सुने होंगे उनको मैं यहां पे इस बैच में क्लियर करवा दू फर्स्ट ड्रॉबैक आपने पांच बैच में ये सुना होगा कि सर क्लास के अंदर क्वेश्चन ज्यादा डिस्कस नहीं करते तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूं ये बैच से आपके क्लास के अंदर नियरली सभी क्वेश्चन डिस्कस होंगे और क्वेश्चन डिस्कशन के बाद मतलब पास्ट एग्जाम के बकायदा हमारे क्वेश्चन वैसे तो मैं ऑलरेडी देता था लेकिन क्वेश्चन का समय नहीं मिलता था रहते थे, so एक नहीं था इस बैच में टेक्निक नहीं इंप्लीमेंट कर रहा हूं तो पास्ट एग्जाम के नियरली सभी क्वेश्चन नहीं नियरली तो 70-80 परसेंट क्वेश्चन हम क्लास में डिस्कस करेंगे और उन क्वेश्चंस के हिसाब से हम हमारे आंसर राइटिंग पॉइंट्स क्रिएट करेंगे चीज आपकी इस क्लास पे काफी बेनिफिशियल हो सकती है अगर आपको यह पॉइंट पसंद आया तो जरूर लाइक ठोकिएगा बीच में या थम्सअप दीजिएगा कि क्या हमने ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए मैं चाहता हूं कि हम इस बैच के अंदर कंसेप्ट के साथ में क्वेश्चन डिस्कस करें जिससे आपको बहुत बड़ा एडवांटेज मिले राइटिंग प्रैक्टिस तो एनीवेज हम करने ही वाले हैं आंसर राइटिंग पॉइंट की वो सिर्फ आप क्या करेंगे कंसेप्ट पढ़ेंगे उसके रिगार्डिंग पास्ट एग्जाम के क्वेश्चन देखेंगे और फिर उसके हिसाब से आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे तो अगर आपको ये चीज पसंद आ रही है तो मुझे जरूर बताइएगा ये आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा दूसरी बात बहुत सारे बच्चे बोलते हैं दर्शन सर के क्लास में बहुत सारी मस्ती होती है ऑब्वियस सी बात है बेटा हाँ हाँ बहुत अब वो लाइव बैचेस रहते थे तो लाइव बैचेस में मस्ती तो होती ही थी पर इस बैच में हम उस चीज को कंट्रोल करेंगे मस्ती होगी फन मैनर में सीखेंगे क्योंकि देखो मैं एक बेसिक चीज के ऊपर भरोसा करता हूं और एक बेसिक चीज के ऊपर मैं विश्वास रखता हूं आप थोड़ा इस चीज को एक मिनट देते हैं पर आपको समझ में आएगा कि क्यों फन स्टाइल में रीड करना जरूरी है क्यों फनी वे में या मस्ती करते हुए समझना जरूरी है इसके पीछे मैं आपको एक सवाल पूछता हूं सिर्फ थोड़ा सा सोच के जवाब दीजिएगा मेरा सवाल यह है कि अगर आप आपके पास्ट के लाइफ की मेमोरीज रिमेंबर करने जाओ मेमोरीज रिमेंबर करने जाओ सब लोग तो आपको कौन सी मेमोरीज जल्दी याद आती है जो समय आपने खुशी के साथ गमाया मस्ती के साथ बना गमाया अपने फैमिली अपने दोस्तों के साथ जब आप खुश थे वो वाली मेमोरीज आपको याद होती है या जब आप दुखी थे सैड थे बोरिंग थे सो रहे थे वो वाली मेमोरीज आपको याद आती है इस चीज के ऊपर गौर करके मुझे कमेंट में आंसर देना आपको कौन सी वाली मेमोरीज याद आती है खुशी वाली जब आप मस्ती कर रहे थे वो वाली या आपको वो मेमोरीज याद आती है जब आप सो रहे थे बोर हो रहे थे फ्रस्ट्रेट हो रहे थे वो वाली मेमोरीज आपको याद आती है विच मोमेंट जो आपको याद आते हैं फटाफट ब्रेकअप नालायक ब्रेकअप कौन है ब्रेक नालायक ब्रेक भास्कर ब्रेकअप भी हो गया तुम्हारा उम्र ही क्या होगी अभी जिंदगी के अंदर ब्रेकअप भी हो गया इस उम्र में तो मैं बेचारा क्लास की बुक्स लेके सिर के ऊपर के कही कहीं कहीं जाता था ओके खुशी वाली मेमोरी ज्यादा आती है सब लोग वही आंसर दे रहे कुछ है एक दो लोग जिनको ब्रेकअप याद आ रहे उनके पता नहीं कितने हुए जिंदगी के अंदर बट ठीक है जितने भी लोग ये बोल रहे हैं कि सर हमें खुशी वाली मेमोरी ज्यादा आती है ये ह्यूमन नेचर है ह्यूमन साइकोलॉजी इस तरीके से डिफाइन होती है बच्चों कि आपको हमेशा खुशी वाली मेमोरीज ही याद आएगी इसलिए क्लास फन मेमोरीज में मस्ती वाले मेमोरीज में कंप्लीट करना जरूरी है तो खुशी के मारे या फन के मारे आपको हो सकता है कंसेप्ट भी बहुत अच्छे से याद आए ठीक है सो मस्ती होगी हाँ ऑब्वियसली बात है कुछ लेवल तक के होगी ठीक है उसके बाद में हमारा मेन मोटो हमेशा याद रखना है मेन हाँ तो so, और मैं बोर होकर पढ़ा नहीं सकता बच्चों मुझे माफ करना मैं बोर हूंगा आप सोगे मैं सोते सोते पढ़ाऊंगा आप भी सोोगे पता नहीं तो ऐसे सिचुएशन में मैं पढ़ा नहीं सकता सो आई एम वेरी सॉरी फॉर दिस को आपने बड़े अच्छे से याद रखना क्लियर चलो अब हम हमारे लेक्चर्स के साथ शुरू करते हैं सो तीन रूल आई विल रिपीट वंस अगेन टाइम पे आना है टाइम पे जाना है एक मोबाइल बंद आपने रखना है और 200 सो पेजेस की कोरी कर नवे नवेली गरम गरम बुक बनानी है जिसके अंदर आपको सभी आंसर राइटिंग पॉइंट और चार्ट आएंगे क्लियर है सबको सब हाँ है ना। जो ये सुनो साथ में आपने जो नोट्स डाउनलोड किए हैं वो तो आपके पास है ही क्लियर है सबको छ अब मैं जाता हूं नेक्स्ट कंटेंट के ऊपर जो मुझे यहां पे कवरअप करना है हमारा है सी ए का न्यू सिलेबस पहले तो समझते हैं सिलेबस में क्या क्या है जंगल में जा रहे पता तो चले कि कौन कौन से रस्ते हैं कितने एरियाज है शेर है बाघ है बकरी है भेड़िया है डायनासोर है पता नहीं क्या क्या है वहां पे सो न्यू सिलेबस में कौन कौन सी चीजें आती है वो मैं बदले बता दू सीए इंटर हमारे सब्जेक्ट का नाम है वैसे तो आपने सुना होगा सी इंटर लॉ लेकिन सब्जेक्ट का एक पूरा नाम भी होता है जो पढ़ के छोड़ देना होता है क्योंकि ये कहीं लिखना नहीं होता है तो आप इसको भूल भी गए तो कोई दिक्कत नहीं है पर सीए इंटर सब्जेक्ट का नाम है कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज तो मैं पहले तो इन वर्ड को डिफाइन करूं थोड़ा शांति से कमेंट करना थोड़ा सा बंद कीजिएगा बच्चों पूरा कंसेप्ट के ऊपर ध्यान रहा फर्स्ट प्रायोरिटी कंसेप्ट कंटेंट वर्किंग हार्ड वर्किंग ठीक है पूरा ध्यान बोर्ड पे ठीक है लेट्स गो जब हम बोलते हैं कि सब्जेक्ट का नाम है सीए इंटर कॉरपोरेट एंड अदर लॉज तो आपको इन वर्ड को थोड़ा समझना पड़ेगा जब आप फाउंडेशन में थे तो आपको नाम होगा बिजनेस लॉज बिजनेस लॉज मतलब ऐसे लॉज जो बिजनेस करने के लिए जरूरी है जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वेरी इसेंशियल फॉर बिजनेस पार्टनरशिप एक्ट वेरी इसेंशियल फॉर बिजनेस साथ साथ में अगर हम बोले तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट वेरी इसेंशियल फॉर बिजनेस पर जब आप सीए इंटर पे आते हो तो आपके लॉज का नाम हो जाता है कॉर्पोरेट लॉ नाउ फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग व्हाट डू मीन बाय कॉर्पोरेट 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 का मतलब होता है बच्चों बॉडी कॉर्पोरेट बॉडी कॉर्पोरेट व्हाट इज बॉडी कॉर्पोरेट तो आपने शायद सुना होगा बॉडी कॉर्पोरेट में आती है कंपनीज बॉडी कॉर्पोरेट में आते हैं कॉर्पोरेशन सबका एग्जाम्पल भी दूंगा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है मैं जिंदा हूं तो एग्जाम्पल भी आएगा और मैं जिंदा रहूंगा नालायक लोगों ठीक है सो कंपनी कॉरपोरेशन एंड एल एलपीज लिमिटेड लाइविलिटी पार्टनरशिप तो मेन बेसिक कैटेगरी में ये तीन आते हैं और भी आते हैं कॉर्पोरेट में पर फिलहाल उनसे हमारा कोई लेन देन नहीं है फिलहाल हम सिर्फ बेसिक्स देख रहे हैं कंपनीज जैसे टाटा सन्स कंपनी है इंफोसिस कंपनी है विप्रो कंपनी है एप्पल कंपनी है लेकिन यूएस में अगर आप देखो तो एप्पल इज अ कॉरपोरेशन क्लियर है सो इंडिया में कंपनीज कॉरपोरेशन के नाम पे हमारे यहां है इलाइची इलाइची सुना है आपने इलाइची लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एलाइसी जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी LIC है बोलो हाँ ना सो लाइफ इंश्योरेंस इंश्योरेंस वाले ये वो लोग हैं जो तुम्हें सपने दिखाते हैं तुम्हारे मरने के मतलब घर वालों को ये सपने दिखाते हैं कि तुम मर गए तो तुम्हारी जिंदगी कैसे बेहतर हो सकती है मतलब ये एक ऐसा धंधा है क्रिटिकल बिजनेस है ये कि आप घर वालों को सपने दिखाते हो कि घर वालों का लीड पर्सन मर गया तो उनकी जिंदगी कैसे अच्छी हो सकती है ये भी ये भी है भैया भी बिजनेस है सो so, इंडिया का सबसे बड़ा लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन अगर हम बोले आपको नहीं पता एलआईसी के नेट टेंजिबल टेंजिबल असेट पचास हजार करोड़ से ऊपर के होंगे फिफ्टी थाउजेंड करोड़ प्लस नेट टेंजिबल है इंडिया का सबसे बड़ा लीडिंग कॉर्पोरेशन एलआईसी और फिर आते हैं एल लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप्स जैसे आप भी बना सकते हो मैं भी बना सकता हूं जैसे पार्टनरशिप फॉर्म बनते हैं वैसे एल एलपी मतलब अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट के ऊपर चले जाओ तो आपको बहुत सारे लिमिटेड लाइब्रेरी पार्टनरशिप मिल सकते हैं सो so, तीन अभी के लिए तीन मैं ये नहीं बोल रहा बॉडी कॉर्पोरेट में इतने ही आते हैं मैं बोल रहा हूं हमारे नॉलेज के लिए जितने जरूरी है वो फिलहाल है तीन कंपनीज कॉर्पोरेशन कंपनी ठीक है ये चीज समझ में आई सबको आई होप सो यह क्लियर हुआ होगा सो so, मेरा कहने का मतलब है सीए इंटर कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज में फर्स्ट वर्ड जो है वो है कॉर्पोरेट कॉर्पोरेट मतलब इनसे रिगार्डिंग लॉज भैया कंपनी से रिगार्डिंग लॉ कॉर्पोरेशन से रिगार्डिंग लॉ एलएलपी से रिगार्डिंग लॉ हालांकि हमारे सिलेबस में एलएलपी का लॉ इतना ज्यादा नहीं है क्योंकि सीए फाउंडेशन पे आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है इंटर पे ये नहीं है तो इंटर पे आप क्या पढ़ोगे कंपनी से रिगार्डिंग लॉ और कॉर्पोरेट से रिगार्डिंग लॉ और कॉर्पोरेट के बाद में जो दूसरा वर्ड आता है वो है अदर लॉस कौन सा लॉज अदर लॉस जिसके अंदर इन्होंने चार डिफरेंट टाइप के लॉज आपको दिए हालांकि लॉज नहीं है तीन लॉज है और एक टॉपिक है तो मैं इसको डिवाइड करना चाहूंगा दो पार्ट में कंपनी लॉ फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपको 60 मार्क्स के लिए एप्लीकेबल है जिसके अंदर आपको 10 चैप्टर्स है एंड 148 सेक्शंस है 148, थोड़ा शांति से ठीक है पूरा फोकस फोकस बेटा फोकस फोकस ठीक है क्योंकि यहां नंबर का गेम शुरू होगा सेक्शन नंबर का गेम शुरू होगा ठीक है फाउंडेशन में आपने सेक्शन नंबर्स याद नहीं किए होंगे पर मैं आपको एक प्रोमिस करता हूं कौन सा प्रोमिस बोलो इर्शाद बोलो इर्शाद कंपनी है भैया 470 सेक्शंस टोटल नंबर ऑफ सेक्शन 470 सर ये सेक्शन क्या होता है सेक्शन क्या होता है तो मैंने सेक्शंस बोल दू आपने अगर मूवी देखी होगी कोई मूवी वगैरह देखी होगी जिसमें एकदम टिपिकल मूवी जिसमें हीरो खून करता है विलन विलन उसको उसको है 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 हीरो हीरो नहीं करता पर उसको फसाता है, फिर कोर्ट रूम वाला सीन चलता है, हीरो एक कटघरे में खड़ा होता है ठीक है विलन दूसरे कटघरे में खड़ा होता है बीच में एक विलन सा वकील होता है और फिर हीरो खूनी प्रूव होने के बाद जज बोलता है तुम्हें ताजीराते हिंद दफा तीन के तहत

ये होता है सेक्शन सेक्शन मीन लॉ के अंदर लिखा हुआ प्रोविजन लॉ ये सेक्शन में ही डिवाइड होता है क्लियर है आंसर सो कंपनीज एक्ट में अगर आप देखो बेटा कंपनीज एक्ट में तो 470 सेक्शन है बच्चों 470 सेक्शंस सेक्शन टोटल 470 सेक्शन जिसमें से सीए इंटर लेवल पे आपको सिर्फ 148 सेक्शन अपलीकेबल है हालांकि आपने सी ए फाउंडेशन में इसमें से कुछ पढ़े होंगे जैसे प्राइवेट कंपनी का सेक्शन नंबर आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा जो है टू सबसे टू पब्लिक कंपनी का सेक्शन आपने पढ़ा होगा टू नंबर 71 जैसे आपने फॉर्मेशन ऑफ कंपनी का सेक्शन पढ़ा होगा थ्री मेमोरेंडम का सेक्शन पढ़ा होगा फोर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का सेक्शन पढ़ा होगा फाइव तो ऐसे चार सेक्शन है जिसमें से एक आपको कंपनी लॉ में अपलीकेबल है जो आपको पढ़ना है सर हमें सर, बहुत जोर से सवाल आया सर हां बेटा जोर से कुछ चीजें आती है जोर से कोई दिक्कत नहीं सर बहुत जोर से सवाल आया है मैं बोला बोला बेटा सर 470 में से 148 ही हमको अप्लीकेबल है बचे हुए कहाँ है तो बेटा बचे हुए जितने भी है नियर टू 320 सेक्शंस ये आपको आएंगे बच्चों शी ए फाइनल पे शी ए फाइनल पे 320 सौ है नियरली डबल से ज्यादा

पर मैं आपको जो प्रॉमिस करने वाला था वो ये है अगर आप मेरी पूरी रेगुलर बैच ठीक से करते हो हर एक लेक्चर देखते हो स्टार्टिंग से एंड तक बहुत प्रॉपरली मैं आपको इस वक्त इस पॉइंट ऑफ टाइम पे प्रॉमिस करता हूं कि आपको 148 के 148 सेक्शन नंबर और उनके नाम याद हो जाएंगे जिस दिन आपका बैच खत्म होगा उस दिन आप 148 सेक्शन एट अ स्ट्रेच बोल सकते हो दैट इज अ प्रॉमिस वो कैसे क्या कैसे करेंगे देखेंगे बट दिस इज अ प्रॉमिस कि हम एक सेक्शन नाम नंबर याद करेंगे और हो सके तो इनका कंटेंट भी याद करेंगे पर कंटेंट पर सेक्शन भी पांच पॉइंट बोले तो डेढ़ सौ मतलब साढ़े सात सौ पॉइंट आपको नियरली याद रखने हैं क्योंकि पर सेक्शन भी, भी बोले हमने लिखने के लिए कम से कम पांच तो भी नियरली डेढ़ सौ सेक्शन मल्टीप्लाइड बाय पांच पॉइंट ठीक है साढ़े सात सौ के आसपास पॉइंट आपको याद रखने है जो एकदम से इस पीरियड में नहीं पर हां दोनों मेहनत मिलकर करेंगे तो जरूर याद हो सकते हैं यह है आपका सिक्सटी मार्क्स का कंपनी लॉ का पोर्शन आई होप सबको समझ में आ रहा होगा जितने भी लोग हैं एक सौ अस्सी एक सौ अस्सी एक सौ नब्बे लोग हैं मैं उन सबको ये बोलना चाहूंगा कि ये हमारा सिलेबस है कंपनी लॉ का क्या आपको समझ में आया ये बताइएगा क्योंकि ये समझ में आया तो मैं अगले कंटेंट के ऊपर जा सकता हूं हां हमारे बीच में बोलने के लिए काफी लैग है मैं जब बोल रहा हूं आपको 10 सेकंड बाद वो सुनाई दे रहा है तो मेरे को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा ये समझ में आया पहले कंपनी लॉ का सिलेबस प्लीज मुझे बताइएगा कंपनी वर्ड का कॉर्पोरेट वर्ड का मीनिंग समझ में आया बॉडी कॉर्पोरेट समझ में आया गया और सिलेबस समझ में आएगा प्लीज मुझे बताइएगा और मेरा प्रॉमिस भी समझ में आया क्या ये भी मुझे बताइएगा ठीक है क्योंकि हम टोटल 148 सेक्शन के नाम नंबर याद करेंगे लेकिन इसके लिए मुझे आपकी भी जरूरत पड़ेगी मैं मेरे तरफ से 100 मेहनत करूंगा आप करने के लिए रेडी होकर मुझे चाहिए ठीक है चलो बहुत बढ़िया शानदार जबरदस्त जिंदाबाद लगता है यह भास्कर मुझसे ही पढ़ा हुआ है फाउंडेशन में डॉक्टर इन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट चलो बहुत बढ़िया चलो यह समझ में आया तो बहुत अच्छी बात अब मैं जाता हूं दूसरे पार्ट के ऊपर और सेकंड पार्ट जो है वो है अदर लॉस और अदर लॉज में हमें चार टॉपिक है मैं चार लॉज नहीं बोल सकता चार टॉपिक है क्योंकि तीन लॉज है और एक टॉपिक है जैसे आपका पुराना साथी आपका असली दोस्त जो आपके साथ पिछले एक साल था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एटीन सर ये लॉ पूरा का पूरा रिपीट है नहीं बेटा ये पूरा का पूरा रिपीट नहीं है टेंशन ना लो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट दो पार्ट में डिवाइड होता था नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट आपने सी ए फाउंडेशन लेवल पे जो पढ़ा सी ए फाउंडेशन लेवल पे आपने जो पढ़ा वो था नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट पे आपका चैप्टर एंड हो गया था उसके बाद डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करके आपका चैप्टर आया था वो है नॉर्मल सी ए फाउंडेशन के नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आएंगे आपको सीए इंटर लेवल पे सीए इंटरमीडिएट लेवल पे स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट जिसके अंदर पांच डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट है एजेंसी बेलमेंट प्लेज गारंटी इंडेमिनिटी समझ में आ रहा है सबको हाँ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट आपको सीए इंटर लेवल पे है नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट जो आपने फाउंडेशन में पढ़ा उसका यहां पे कोई लेन देन नहीं है बट फिर भी जो बेसिक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट चाहिए वो मैं आपको जरूर बताऊंगा ये चीज को आपने बड़े अच्छे तरीके से याद रखना है क्लियर दूसरा लॉ जो हमारे सिलेबस में है वह निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट मैंने सुना है कि सीए फाउंडेशन में आपने बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट का अकाउंटिंग किया है बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसर नोट का अकाउंटिंग आपने किया है मैंने पढ़ा था ये मैंने सुना है कि सीए फाउंडेशन में आपने इसका अकाउंटिंग किया अकाउंट सब्जेक्ट के अंदर कि बिल ऑफ एक्सचेंज अकाउंट डेबिट तो तो क्रेडिट हुआ या नहीं हुआ नहीं है मेरे को तो याद भी नहीं आ रहा कितने साल हो गए ठीक है सो सीए फाउंडेशन में आपने अकाउंटिंग किया है आई गेस निगोशियबल का उससे रिगार्डिंग लॉस जो है वो हम यहां पे पढ़ेंगे ठीक है सो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के रिगार्डिंग लॉस हम यहाँ पे कवरअप करेंगे तीसरा है आपका जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897 जो हम यहां पे कवर करेंगे काफी अच्छे से इट इज रिगार्डिंग फ्यू डेफिनेशन जो नॉर्मली यूज होती है जैसे डे की डेफिनेशन क्या है कैलेंडर ईयर की डेफिनेशन क्या है मंथ की डेफिनेशन क्या है किलोमीटर के डेफिनेशन क्या है ठीक है डिस्टेंस के डेफिनेशन क्या है टाइम के डेफिनेशन क्या है जो नॉर्मली लॉज में यूज होता है वो यहां पर और सबसे आखिरी इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट ये जब मैं देखता हूं ना मेरा खून खोल जाता है मेरा खून खोल जाए ये जब मैं फोर्थ टॉपिक देखता हूं मेरा दिमाग खराब हो जाता है

ये पांच लॉ पढ़ने के बाद में ये सीए इंटर पे आके आपको क्या पढ़ाना चाहते हैं कि लॉ कैसे पढ़ते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ की भैया लॉ कैसे पढ़ते हैं समझ में आ रहा है देख रहे हो सिलेबस बनाने की इनकी हरकतें देख रहे हो समझ में आ रहा है आपको इसको उठा के फाउंडेशन उठाउंड डालना चाहिए वो कंपनी से निकालो वैसे भी कंपनी रिपीट ही होने वाला है जो आपने फाउंडेशन में डेफिनेशन पढ़े वो सीए इंटर पे ही आने वाले हैं तो क्यों रिपीट कर रहे हो इसको उठाओ फाउंडेशन में डालो इंटरप्रिटेशन मतलब पांच लॉ पढ़ लिए ऊपर से पढ़ लिया इंडियन और इसको भी लास्ट टॉपिक रखा है लास्ट टॉपिक पूरे सिलेबस का मतलब बोले आप कंपनी लॉ भी पढ़ लो कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लो निगोशियबल पढ़ लो जनरल पढ़ लो उसके बाद बोले ये पढ़ो लॉ कैसे पढ़ना है मतलब करते क्या है जब सिलेबस लिखते हैं तो ये लोग क्या मतलब एनी ठीक है अब क्या बोले जिंदगी के अंदर ये कैसे सिलेबस ड्राफ्ट करते यार मैं को दे दो अच्छा सिलेबस ड्राफ्ट कर दूंगा इनसे कभी भी मैं क्या तुम भी अच्छा सिलेबस ड्राफ्ट कर दू किस को बिठाकर रखा है यहां पे एनी तो है, है 40 मार्क के लिए जब हम कहते हैं चार टॉपिक टॉपिक 40 मार्क मार्क के लिए मतलब ऑन एन एवरेज पर 10 ठीक है तो भैया इनको तो छोड़ना ही नहीं है ये हमको याद रखना है ये है आपके अदर लॉस जो है कंपनी से रिगार्डिंग क्लियर है या फिर कोई दूसरे लॉस सो कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस ये हमारा सिलेबस है जिसको चाहिए फटाफट -फ़ड़ फ्रंट पेज में नोटबुक पे लिख के रखो गो फॉर इट फास्ट <coughs> कौनो दिक्कत है तो कमेंट में डालिए मैं फटाफट जब तक आप लिख रहे हो तब तक आपकी दिक्कतें सॉल्व कर दूं और लिखो नालायक को लिखो मेरा मैक्सिमम मटेरियल तनीश ये मॉड्यूल लैंग्वेज में रहेगा बट एट द सेम टाइम इसके अंदर मैंने खुद का भी कंटेंट दिया है फॉर द पर्पज ऑफ अंडरस्टैंडिंग कंपनी और कॉरपोरेशन का डिफरेंस मैं आपको बताऊंगा ये डिफरेंस मेनली uh, आप ऐसा मान लो कॉरपोरेशन इज अ ब्रॉडर एस्पेक्ट एंड कंपनी इज अ स्मॉलर एस्पेक्ट फाउंडेशन का अभी हम प्लान कर रहे हैं बेटा आगे स्टार्ट होगा ऑफ कोर्स बेटा लॉ में भी अमेंडमेंट आता है एज इट इज अ लॉ तो अमेंडमेंट आना तो बेटा बहुत नॉर्मल है अमेंडमेंट मतलब लॉ का अपडेट बेटा जैसे इनकम टैक्स रेट हर बार चेंज होते हैं उसी तरीके से कंपनी लॉ में भी हर बार कोई ना कोई चेंजेस आते हैं फ्यूजन ओपी मतलब लॉ चेंज होता है तो आपको अपडेटेड लॉ पढ़ना जरूरी है क्योंकि आप सीए बनने वाले हो बेटा मेरी बुक्स नियरली बेटा एक जनवरी से अवेलेबल होना शुरू हो जाएगी डेली रिविजन मैं क्लास में ही करवा दूंगा फर्स्ट टेन मिनट्स में बेटा तनिष मैंने ऑलरेडी आंसर कर दिया ये चीज को थोड़ा रिवाइंड करके पढ़िए फाउंडेशन पर अमेंडमेंट नहीं आते बेटा फाउंडेशन का कोर्स चेंजेबल नहीं है बिल्कुल लखन पेन ड्राइव अवेलेबल है के ऊपर आप ले सकते हो पुराने एक्ट हम 2020 में इसलिए पढ़ रहे हैं प्रिंस पिनाकल क्योंकि यही पुराने एक्ट आज भी अप्लीकेबल है ठीक है भले ही कॉन्ट्रैक्ट को डेढ़ सौ साल हो गया है पर वो आज भी अप्लीकेबल है अगले दस लेक्चर्स लाइव है कम से कम दिव्या उसके बाद के लेक्चर्स के लिए आपको एडमिशन लेना पड़ेगा वी स्मार्ट अकेडमी डॉट कॉम के ऊपर आप चले जाओगे दीपेश वी स्मार्ट अकेडमी डॉट कॉम तो आपको ऑटोमेटिकली सभी लेक्चर्स मिल जाएंगे पेन ड्राइव आपको होम डिलीवरी में प्रोवाइड हो जाएगा सबको सो so टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आप जैसे ही वी स्मार्ट पे ऑर्डर कर दोगे पेन ड्राइव आपके घर पे आ जाएगा या आप ऑनलाइन डाउनलोड भी ले सकते हो अगर आपका वाईफाई वगैरह अच्छा है तो नंबर ट्वेंटी वन वाले अभी से लेक्चर्स ले सकते हैं बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं मॉड्यूल हाँ, में सभी अब तक के अमेंडमेंट अपडेटेड है ओंकार मैंने ऑलरेडी ये चीज के ऊपर स्टार्टिंग में क्लैरिफिकेशन दे दिया है थैंक यू सो मच अक्षय क्योंकि बेटा सोसाइटी चेंज होती है संस्कार इस वजह से लॉज भी चेंज होते हैं पब्लिक चेंज होती है लॉ चेंज होती है इसलिए अमेंडमेंट आते हैं बेटा फेस टू फेस अभी तो अगस्त सितंबर तक कोई चांस नहीं है बेटा बिकॉज जब तक वैक्सीन रिलीज नहीं होगा तो फेस टू फेस मुश्किल है हर एक्ट में अमेंडमेंट आते हैं बोलना गलत होगा कुछ एक्ट में आते हैं कुछ में नहीं आते हैं मे 22 वाले टीटी इंडस्ट्रीज थोड़ा सा वेट कर लीजिए लेकिन अगर आप अमेंडमेंट सेपरेटली कर सकते हो तो हमें कोई दिक्कत नहीं है अगर आप करना चाहो तो चलो चा, आगे सबका लिखना हो गया होगा आई शॉल मूव फॉरवर्ड ठीक है सबका लिखना हो गया है नहीं हुआ तो प्लीज स्क्रीनशॉट खींच के रखिए आप इसको आराम से भी लिख सकते हो अगर आपका नहीं हुआ है तो और क्वेरी पूछने में अगर आपका समय गया है तो में बेटा नॉर्मल लेक्चर में ही अमेंडमेंट कवर्ड है लखन पेन में नॉर्मल लेक्चर्स में ये जो लेक्चर में अभी ले रहा हूं ये विदेंड अमेंडमेंट ही है ठीक है ये चीज को आपने याद रखना लेकिन अगर आपका नवंबर 21 एग्जाम है तो आपको यूट्यूब पे आना पड़ेगा क्योंकि पेनड्राइव में तो हम आपको प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे तो यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल रहेगा उसको देख लेना जैसे आप ये लेक्चर देख रहे हो वैसे ही आप पेनड्राइव का लेक्चर वो देख वो अमेंडमेंट का लेक्चर देख सकते हो ठीक है वो होगा दस सप्टेबर को थैंक यू सो मच मुकुल बेटा थैंक यू सो मच फॉर द कमेंट्स जरूर मैं भी चाहता हूं मैं सबको फेस टू फेस पढ़ाऊ क्योंकि स्टूडियो रिकॉर्डिंग मेरा भी बहुत अच्छा आ, फेवरेट वाला चीज नहीं है तो फेस टू फेस बट अभी हो नहीं सकता वैक्सीन के पहले तो अगस्त में होगा ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं कॉन्सेंट्रेट करना अच्छे तरीके से ध्यान देना आई गेस आपने पूरा सिलेबस लिख लिया होगा क्या है क्या नहीं तो अब मैं शुरू करता हूं हमारे नेक्स्ट कंटेंट के साथ आपका क्वेश्चन पेपर किस तरीके से आता है सीए इंटर लेवल का अगर आप सीए इंटर लेवल का क्वेश्चन पेपर देखो तो एक कंपलसरी क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर वन और फिर ऑप्शनल क्वेश्चन होते हैं चार क्वेश्चन आउट ऑफ फाइव मतलब पांच क्वेश्चन दिए जाते हैं जिसमें से आपको चार सॉल्व करने होते हैं नियरली थर्टी मार्क्स का पेपर आपका एमसीक्यू सीरीज में आता है ठीक है क्वेश्चन पेपर भी मैं आपको ओपन करके दिखाऊंगा बट अभी नहीं अभी मैंने आपको सिर्फ क्वेश्चन पेपर का तरीका बोल दिया कि किस तरीके से लिखता है नेक्स्ट चीज के ऊपर मैं जाना चाहूंगा और यहां से अभी आज हम हमारा कंटेंट शुरू करेंगे ठीक है टिंग विदेंट सो मैं चाहूंगा कि अब सब लोग कमेंट करना बंद कर दीजिएगा और हमारे कंटेंट के साथ में हम आगे बढ़ेंगे ठीक है कमेंट को स्टॉप कर दीजिएगा वापस जब क्वेरी पूछने का या लिखने का समय रहेगा मैं आपको ऑप्शन दूंगा कमेंट करने के लिए आप तब क्वेरी पूछ सकते हो चलो शुरू करते हैं अब यहां से कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग हम पढ़ रहे हैं सी इंटर कॉरपोरेट एंड अदर लॉज सब्जेक्ट का नाम काफी लंबा है कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज बराबर है पर मेरा एक बेसिक सवाल है बहुत बेसिक सवाल है लॉ क्यों कहां से आया ये लॉ क्यों पढ़ना पड़ रहा है हमको लॉ हमने सीए इंटर में आके सर गलती कर दी डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स लॉ और नहीं कहीं बचा तो और लॉ घुसेड़ेंगे कहीं कहीं से फाइनल पे आओ तो सर भैया जिंदगी जहनुम हो जाएंगे इतने लॉज है सर क्यों लॉ किसने बनाया कौन ऐसे लोग थे जिन्होंने पहले लॉ बनाया साला सवाल है कि किसने लॉ बनाया भैया इस अर्थ के ऊपर इस पृथ्वी के ऊपर किसने लॉ बनाया पहले तो अगर हम थोड़ा सा हिस्ट्री में जाए तो इंडिया के सबसे पहले लॉज उन्होंने बनाए हैं जिन्होंने पिरामिड बनाए हैं क्योंकि उनकी टेक्नोलॉजी सबसे डेवलप थी वही लोगों की सोसाइटी सबसे डेवलप थी वही जो लोग थे जो उस वक्त अर्थ में सबसे एडवांस थे और जो सबसे एडवांस लोग हैं वही एक सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं आप देखना यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका ये हमसे ज्यादा डेवलप है तो उनके लॉज हमसे ज्यादा स्ट्रिंजेंट होंगे हम डेवलपिंग कंट्री है तो हमारे लॉज कम स्ट्रिंजेंट होंगे उस वक्त तो संस्कृति पिरामिड वाले इन्होंने लॉ क्रिएट करना शुरू किया तीन हजार बीसी में थ्री थाउजेंड बीसी बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट मेरी क्रिसमस बीसी मतलब गाली नहीं है नालायक लोगों गाली नहीं है थ्री थाउजेंड बिफोर क्राइस्ट ईशु ख्रिस्ट के जन्म के तीन हजार साल पहले इन्होंने लॉ बनाया क्लियर है हम अभी है 2020 एडी आफ्टर डेथ जीसस क्राइस्ट के आफ्टर डेथ हम 2020 में है इसलिए तो ये 3000 बीसी मतलब जीसस क्राइस्ट का जो लाइफ स्पैन था नियरली इफ आई एम नॉट रॉन्ग 24 और 25 जीसस क्राइस्ट का जो लाइफ स्पैन था 25 फाइव प्लस टू तक के अभी है उसके तीन साल पहले मतलब यहां से नियरली पांच साल पहले एंशियंट इजिप्तिशियंस ने माइट बी ए लॉ क्रिएट किए होंगे ठीक है सोसाइटी क्यों क्रिएट किए लॉ इट वॉज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ ट्रेडिशन रेटोरिकल स्पीच सोशल इक्वालिटी एंड इंपार्शियलिटी नॉर्मली कोई भी लॉ अगर बनता है तो भैया सबको इक्वल ट्रीट करने के लिए सबको इंपार्शियल ट्रीट करने के लिए बनता है ऐसा नहीं किसी को फेवरिज्म देना चाहिए और किसी को कम आंकना चाहिए इसके लिए नहीं तो इजिप्टिशियन ने सबसे पहले लॉ इंट्रोड्यूस किए थे और आपको शायद नहीं पता तो आज के डेट में आज के डेट में दुनिया का सबसे बड़ा कोई कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है तो वह है इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो लिखा था डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर जी ने फोर फोर्टी फोर क्लॉजेस है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में और 12 शेड्यूल्स है भारत का संविधान जिस संविधान के हिसाब से आपको नागरिकत्व मिलता है इंडिया का और आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच मिलता है और सभी चीजें मिलती है यही फ्रीडम ऑफ स्पीच के तहत लोग अजीब अजीब चीजें चिल्लाते हैं इंडिया में भारत तेरे टुकड़े होंगे और अलग अलग टेररिस्ट को प्रमोट करते हैं है। so, है, है, और टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन है एक लाख सत्रह हजार तीन सौ उनकटीन थाउजेंड थ्री सिक्स इन इंडिया फोर आर्टिकल्स ये दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है लॉन्गेस्ट रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन फॉर एनी कंट्री मैं लॉ नहीं कह रहा हूं मैं कह रहा हूं लॉन्गेस्ट रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन जैसे हर एक कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन होता है दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है टू वन कंट्रीज इन द वर्ल्ड 196 लीगल कंट्रीज वैसे तो 205 है कुछ कंट्रीज कोऑपरेटिव कोऑपरेशन में नहीं आती जैसे सोमालिया पेरू नाइजीरिया वगैरह एक्सेट्रा जहां पे अभी भी डिक्टेटरशिप या तो फिर आतंकवादियों का राज चल रहा है जैसे कुछ साउथ अफ्रीकन कंट्रीज लाइक कांगो तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ये सबसे बड़ा है अब अगर हम बात करें चलो इजिप्टिशियंस ने लॉ बना दिया इंडिया वालों ने लंबा कॉन्स्टिट्यूशन डाल दिया कोई दिक्कत नहीं बन गया कोई दिक्कत नहीं पर सर ये लॉ मतलब क्या व्हाट डू यू मीन बाय लॉ व्हाट इज लॉ सर कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लिया किसी ने नहीं बताया लॉ क्या होता है सर सेल ऑफ कुछ पढ़ लिया किसी ने बताया लॉ क्या होता है सर पार्टनरशिप पढ़ लिया किसी ने बताया लॉ नहीं होता है क्या होता है कंपनीज एक्ट पढ़ लिया सर एलएलपी पढ़ लिया पर किसी ने नहीं बताया लॉ क्या होता है मैं आज आपसे सबसे बेसिक सवाल पूछ रहा हूं पहला क्लास है सीए इंटर लॉ का फर्स्ट क्लास है वॉट डू यू मीन बाय लॉ कोई बोल सकता है मुझे प्लीज कमेंट के अंदर बताइएगा मैं 10 सेकंड वेट कर लूंगा पर आप ही से आंसर आएगा कि लॉ का मतलब क्या होता है प्लीज बताइएगा व्हाट इज लॉ एनीवन प्लीज मेंशन इन द कमेंट लॉ बनता ही है ब्रेक होने के लिए नालायक सिद्धार्थ पहले लॉ बनता कैसे वो तो सीख लो ब्रेक होने पे जा रहे हो मैंने कभी नहीं बनाया बेटा हाँ टीटी -टी इंडस्ट्रीज बोल रहा है सर लॉ मतलब एक्ट एंड रूल्स ओके रूल्स एंड, एंड, एंड रेगुलेशन रूल रेगुलेशनकार और यश बोल रहे हैं सभी लोग बोल रहे हैं रूल्स एंड एंड रेगुलेशन रूल एंड रेगुलेशन रूल ओके ओके वेट वेट, वेट 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 शायद मैंने मेरा सवाल रिफ्रेश करना चाहिए ऐसा मुझे लगता है जब मैं पूछता हूं व्हाट डू यू मीन बाय लॉ तो आई डोंट मीन टू आस्क यू गौर से सुनना गौर से सुनना कमेंट बंद करके गौर से सुनना क्योंकि सभी लोग आंसर दे रहे रूल्स एंड रेगुलेशन सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस इसलिए मैं मेरा सवाल रिफ्रेश कर रहा हूं जब मैं आपको पूछता हूं व्हाट डू मीन बे लॉ आई डोंट मीन टू आस्क यू आई डोंट मीन टू आस्क यू की कॉन्सिक्वेंस क्या है या ट्रीटमेंट क्या है गौर से सुनना मैं क्या कह रहा हूं बड़ी काम की चीज बोल रहा हूं डिसीज I mean disease? Disease क्या है जिसके वजह से लॉ बनाया गया जैसे कोरोना डिसीज है इसके वजह से लॉ बना संचार बंदी आचार संहिता कर्फ्यू लॉकडाउन ये लॉ कोरोना के वजह से बने हम लॉकडाउन में अभी रह चुके नियरली सात आठ महीने हो गए जिंदगी घर के अंदर जारी है इतना घर के अंदर तो कभी नहीं रहे सो so, मैं पूछ रहा हूं डिसीज क्या है मैं आपको सिम्टम नहीं पूछ रहा मैं आपको ट्रीटमेंट नहीं पूछ रहा मैं पूछ रहा हूं डिसीज क्या है अब जितने भी लोग मुझे ये बोल रहे हैं कि लॉ मीन्स रूल्स एंड रेगुलेशन मैं उन सबको पूछना चाहूंगा सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन लॉ मीन्स रूल्स एंड रेगुलेशन मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना ये डिसीज है या ये ट्रीटमेंट है रूल्स एंड से जो बना है लॉकडाउन करना है ये डिसीज है या ट्रीटमेंट है मुझे प्लीज बताइएगा कमेंट्स के अंदर कि ये डिसीज है या ट्रीटमेंट है रूल्स एंड रेगुलेशन रेगुलशन इट इज अ डिसीज और इट इज अ ट्रीटमेंट एनी स्पैम ना कीजिए बच्चों मैसेजेस में एक ही बार आंसर दीजिएगा सबके आंसर सुनने हैं ओंकार स्पैम ना कीजिए ओके okay, सो so सब जैसे बोल रहे हैं कि इट इज ए ट्रीटमेंट बात एकदम सही है रूल्स एंड रेगुलेशन इज ए ट्रीटमेंट बच्चों रूल्स एंड रेगुलेशन इज ट्रीटमेंट तो डिसीज क्या है ऐसी कौन सी चीज है जिसकी वजह से लॉ बनाना पड़ा यह सवाल है तो सवाल उठता है हमने लॉ बनाया क्यों मैं ये नहीं पूछ रहा लॉ क्या है मैं ये नहीं पूछ रहा मेरे को भी मालूम है कि भैया रूल्स रेगुलेशन लॉ है रूल्स के साथ में नोटिफिकेशन लॉ है सर्कुलर्स लॉ है अमेंडमेंट लॉ है मेरे को मालूम है यह लॉ है मैं पूछ रहा हूं लॉ क्यों दैट इज अ क्वेश्चन तो थोड़ा सा जाते हैं हिस्ट्री में History में जाएंगे अच्छे से समझ में आएगा अच्छे से आएगा व्हाट इज लॉ एंड व्हाई लॉ इज रिक्वायर्ड लॉ क्या है और लॉ की जरूरत क्यों है जैसे बोल रहे हैं कि भैया सिचुएशन हाँ कुछ लोगों ने मेरे फाउंडेशन के लेक्चर पढ़े जैसे दिव्या ओंकार इन्होंने शायद पढ़ा है कि सिचुएशन बेसिस पे लो आता है शानदार जिन्होंने फाउंडेशन में पढ़ा है बहुत बढ़िया अगर आपको याद है तो जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके लिए मैं बोल दू खास करके अच्छे से ध्यान देना देखो चो। हम स्टोन एज में भी रहते थे हम मतलब हम नहीं हमारी ह्यूमन रेस जो है हमारे लोग वो स्टोन एज में रहते थे स्टोन स्टोन एज मतलब पत्थरों पत्थरों वाला जमाना जब पत्थर छोड़ के और कोई दूसरा संसाधन नहीं था उस उस वक्त वक्त हम, हम मार भी से से करते थे हमको कोई भी शिकार विकार करना है फिर भी हम भाला लेके जाते थे उसके सामने स्टोन लगाया हुआ तो हम स्टोन एज में जब रहते थे तो हमारे पास व्हीकल वगैरह कुछ नहीं थे गाड़ी नहीं थे तो हम चलते थे नहीं तो भागते थे दो ही चीजें होती थी फिर स्टोन एज से हम डेवलप हुए चक्कों का इजाद हुआ चक्के का इजाद हुआ और हमने हमारी गाड़ियां बनाना शुरू कर दी थोड़ा मॉडर्न वर्ल्ड में हमने हमारी गाड़ियां बनाना शुरू कर दी एज से थोड़ा मॉडर्न हुए तो गाड़ियां बनाना शुरू कर दी क्योंकि चक्कों का इजाद हुआ पता चला चक्के ऐसे भी यूज किए जा सकते हैं सो so, हमने हमारी गाड़ियां बनाई ज में तो पैदल चलते थे इसलिए एक्सीडेंट होते नहीं थे ऐसे कभी नहीं होता कि एक आदमी भागते भागते आया दूसरा आदमी भागते भागते आया दोनों भिड़ गए क्योंकि पता ही नहीं था और दोनों आईसीयू में एडमिट हो गए चलो भिड़ गए तो ठीक है पर आईसीयू में एडमिट नहीं होते तो थोड़ा लगता था खरोच खरोज आती थी मलम पट्टी कर लेते निकल जाते थे या झगड़े करके मारपीट करके निकल जाते थे चलो कोई दिक्कत नहीं पर जब हम गाड़ियां चलाना शुरू किए

समझ में आ रहा है सबको हाँ ना चीज को आपने अच्छे तरीके से याद रखना सो बेसिकली अगर मैं बोलू, तो घोड़ा गाड़ी चला रहे हो घोड़ा खुद का दिमाग यूज कर लेगा आज के डेट में आप खाई के पास घोड़े को लेकर घोड़ा जा। रुक जाएगा घोड़ा बोलेगा तू होगा पागल मैं नहीं है मेरे को नहीं कूदना कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको ना तो घोड़ा और बैल या ऊट या जितने भी हम ये एनिमल वाले कार्ड बनाते थे इन सबको खुद का दिमाग था तो ये कभी भिड़ते नहीं थे आपने हार्डली देखा होगा कोई घोड़ा घाड़ी आई दूसरे घोड़ा घाड़ी को भिड़ गई और दोनों घोड़े आईसीयू में एडमिट हो गए आपने हार्डली देखा होगा फिर उसके बाद में हमने बनाई मोटर व्हीकल्स हमने बनाई मोटर व्हीकल पर मोटर व्हीकल को तो दिमाग नहीं होता मोटर व्हीकल दिमाग यूज करती है चलाने वाले का ठीक है कैसे के कैसे लोग गाड़ी चलाते हैं आप अगर कभी गाड़ी लेके मतलब कैसे कैसे चलाते हैं मैं देखता हूं हमेशा अभी आप यंग लोग हो यंग क्राउड होता है हमारे पूना में एक रोड बहुत फेमस है एफसी रोड

ठीक है सो बेसिकली देखा तो तुम हरियाली वाले रोड के ऊपर निकले जैसे ही तुम रोड पे गाड़ी चलाना शुरू करते हो और जैसे ही तुमको हरियाली दिखना शुरू हो जाती है तुम गाड़ी चला रहे हो हरियाली दिख गई डिस्ट्रैक्शन हो गया लाइफ में और हरियाली दिखी अरे बाप रे बाप रे वाह 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 और हरियाली दिखी ओ माय गॉड इतनी हरियाली आदमी का ध्यान कैसे रहेगा आदमी का ध्यान भटक जाएगा जिंदगी में तो आपने गाड़ी ठोक दी ध्यान कहीं और था तो गाड़ी तो ठोक थी तो आपने गाड़ी ठोक दी या फिर आप हरियाली देखते देखते रस्ते में ही बीच में खड़े हो गए रस्ते के बीच में आपने आपकी गाड़ी लगा दी और साइड से सब गाड़ियां जा रही तो ट्रैफिक जाम होगा तुम्हारे हरियाली के चक्कर में अब देखो जरा हरियाली कितनी अच्छी दिख रही है ना हाँ अब देखो ना इतने गोर गोर से दिख रहे थे नालायक लोगो अब देखो इसलिए तुम्हारे लिए फोटो लगाया ऐसी हरकतें करके ना देखना हरियाली गाड़ी अच्छे से चलाना सो अगर तुम हरियाली देखते देखते गाड़ी चला रहे हो तो एक तो तुम गाड़ी ठोक दोगे या ट्रैफिक जाम होगा अगर तुम गाड़ी ठोक दोगे तो भैया तुम आईसीयू में जाओगे हो जाओगे एडमिट और अगर ट्रैफिक जाम होगा तो समय होगा वेस्ट जब इंडिया की गवर्नमेंट को पता चला कि भैया आजकल की पब्लिक ना ड्राइविंग पे कम और हरियाली पे ज्यादा ध्यान रखती है तो गवर्नमेंट ने बोला रूल्स रेगुलेशन लॉज और गवर्नमेंट ने क्रिएट किया इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट 1988 ये इंडिया इकलोटा इकलोटा लॉ है इकलोटा लॉ है इंडिया का जो ट्रैफिक के बारे में बात करता है आपने जितने ट्रैफिक साइंस सुने होंगे वो इसी के अंदर आते हैं

जब हमारे पास व्हीकल्स ही नहीं थे तो इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट की जरूरत ही नहीं थी स्टोन एज में हमारे पास व्हीकल नहीं थे जरूरत नहीं थी घोड़ा गाड़ी बैल गाड़ियां तभी भी मोटर व्हीकल एक्ट की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि घोड़ा गाड़ी बैल गाड़ी खुद का रास्ता ढूंढ लेता था खुद के दिमाग से जरूरत तब पड़ी जब लोगों ने अजीब गरीब तरीके से और स्पीड में गाड़ियां चलाना शुरू कर दी और ट्रैफिक जाम करना शुरू कर दिया तब जाके जरूरत पड़ी तो देखो पहले सिचुएशन आई आपको क्या लगता है गवर्नमेंट ने पहले इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट बना दिया ना पहले लोगों ने गाड़ियां चलाना शुरू किया फिर लोगों ने एक्सीडेंट किए फिर लोगों ने ट्रैफिक जाम किया फिर लॉस हुआ और फिर लोग चिल्लाने लगे गवर्नमेंट क्या कर रही है हमारे लाइफ में कुछ भी हो तो हम वही चिल्लाते ना गवर्नमेंट क्या कर रही है तो हम चिल्लाने लगे गवर्नमेंट क्या कर रही है सला यहां एक्सीडेंट हो रहा है गवर्नमेंट क्या कर रही है सला एक्सीडेंट हो रहा है हॉस्पिटल नहीं मिल रहा गवर्नमेंट क्या कर रही है यहां ट्रैफिक जाम हो रहा है गवर्नमेंट क्या कर रही है हम चिल्लाते हैं यहां फ्लाईओवर क्यों नहीं बनाते गवर्नमेंट क्या कर रही है हम चिल्लाते हैं यहां सब क्यों नहीं बना रहे गवर्नमेंट क्या कर रही है हम चिल्लाते हैं तो भैया गवर्नमेंट ने कर दिया गवर्नमेंट बोले इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट 1988 तो पहले ट्रैफिक जाम पहले एक्सीडेंट्स और उसको देखते हुए लॉ बन गया और देखो नाइनटीन एटी एट में लॉ बनाया पहले मतलब कोई ट्रैफिक के प्रॉब्लम होते नहीं थे क्या इसके पहले कोई ट्रैफिक जाम या एक्सीडेंट होते नहीं थे होते थे पर उन्हीं सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए लॉ और किया गया यह है लॉ सो लॉ क्या है इन शॉर्ट अगर मैं सिंपली बोलू तो लॉ क्या है द लॉ इज नॉट मेड फॉर प्रिपरेशन सेक लॉ कभी भी प्रिपरेशन मतलब बनाना ही इसके लिए नहीं बनाते बच्चों द लॉ इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ सिचुएशन द सिचुएशन डिमांड द लॉ लॉ बना पार्लियामेंट के लोग खाली पड़े हैं इसलिए नहीं बनाते चलो सीए इंटर के बच्चों को टॉर्चर करते हैं दो तीन लॉ बना देते इसलिए नहीं बनाते लॉ इज मेड ऑन सिचुएशन बेस इज अस्ट्री बिहाइंड एवरी लॉ हर लॉ के पीछे हिस्ट्री है इफ यू रीड द हिस्ट्री थरोली इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड लॉ बेटर अगर आप हिस्ट्री ठीक से पढ़ो आपको लॉ समझ में आएगा फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द सेम मैं कुछ और दो तीन लॉज बोलता हूं जिन लॉज के एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा ये लॉज के अगर आप एग्जाम्पल देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ यार ये भी तो लॉ है ठीक है और ये लॉ सिचुएशन बेस पे आया है समझ में आ रहा है सबको हाँ ना अब कौन से ऐसा एग्जाम्पल सिचुएशन बेस लॉ के आए हैं <coughs> एक छोटा सा वीडियो है मैं आपको दिखाना चाहूंगा ये छोटा सा वीडियो आपको आइडिया आएगा ठीक है आपने कभी भोपाल गैस ट्रेजेडी सुना है भोपाल गैस ट्रेजेडी वन सेकंड घर पी थोड़ा पानी वानी पी लू <coughs> मैं एक बार सेटअप करता हूं आपको वीडियो दिखाना है इसलिए जस्ट वेट एक पांच मिनट के लिए मैं आपको वीडियो दिखाना चाहूंगा यह वीडियो है भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में 1984 में एक ट्रेजेडी हुआ था भोपाल गैस ट्रेजेडी के नाम से जिस ट्रेजेडी में मेंशन किया गया था कि नियरली तीन हजार लोग रातों रात मर गए थे मैं थोड़ा सा ब्रीफ दे दू फिर यह वीडियो देखने में मजा आएगा ऐसा मेंशन था रातों रात तीन हजार लोग मर गए तीन से चार लोग से हजार लोग मर गए वहां से लेके अभी तक नियरली तीस चालीस हजार लोग मर गए होंगे और इस ट्रेजेडी के चपेट में पांच लाख लोग आए पांच लाख रात भोपाल में एक कंपनी थी यूनियन कार्बाइड नाम की कंपनी भोपाल सिटी में हमारे जयसर जो है वही से बिलोंग कर सो so, जयसर आए जय चावला सर भोपाल से ही बिलोंग करते wrong, right? so, भोपाल में ऐसा हुआ यूनियन कार्बाइड कंपनी से रात को गैस लीक हुआ डिप करो और आप खुद को लो तो अगले दो मिनट में आपकी मौत हो जाएगी और ऐसा सब्सटेंस गैस फॉर्म में भोपाल में लीक हो गया तीन चार हजार लोग रातों रात मर गए पांच लाख लोग चपेट में आए अभी तक के तीस चालीस हजार लोग आईगेस मर गए होंगे और जो लोगों को इनका डैमेज हुआ वो परमानेंटली डैमेज हुआ और वो सिर्फ लोग डैमेज नहीं हुए उनके पुश्ते की पुश्ते डैमेज हो गई उनके आने वाले बच्चे बच्चों के बच्चे सब डैमेज मतलब अभी तक के प्रॉब्लम चल रहा है और इस यूनियन कार्बाइड कंपनी का जो मैनेजर था वॉरन एंडरसन जो डायरेक्टर था वो वॉर एंडरसन वो भाग गया और इंडियन गवर्नमेंट उसके खिलाफ कुछ नहीं कर पाई ये वीडियो उस बारे में है इसके बाद में आपको पता चलेगा कि इसके ऊपर लॉ कैसे बना ठीक है पहले मैं सिचुएशन बोल दू, फिर आपने देखना इसके ऊपर लॉ कैसे बना थोड़ा आपके सेलफोन का अगर आप सेलफोन देख रहे हो लैपटॉप पर देख रहे हो तो थोड़ा आवाज एडजस्ट कर लीजिए क्योंकि हो सकता है मैंने अभी तक एडजस्ट नहीं किया तो एकदम लाउड आवाज आए तो थोड़ा कम कर लेना आवाज जब वीडियो शुरू हो जाएगा उसके हिसाब से आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा ठीक है सो मैं वीडियो शुरू कर रहा हूं आ जाइए बच्चों ठीक बत्तीस साल पहले मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में औद्योगिक आतंकवाद की सबसे बड़ी घटना हुई थी इस औद्योगिक आतंकवाद में न तो हथियार चले थे और न ही किसी का खून बहा था लेकिन फिर भी भोपाल की सड़कों पर लाशों के ढेर बिछ गए थे अमेरिकी कंपनी यूनियन कार्बाइड का कारखाना उस रात एक मर्डर करने वाली मशीन में बदल गया था आज यूनियन कार्बाइड का वीरान कारखाना औद्योगिक तो आतंकवाद का सबसे बड़ा सबूत बनकर भोपाल गैस तासदी की पीड़ितों का मजाक उड़ा रहा है हजारों लोगों का कातिल यूनियन कार्बाइड का चेयरमैन वॉरेन एंडरसन भ्रष्ट राजनेताओं और अफसरों की मदद से लचर कानून व्यवस्था का फायदा उठाकर पहले भोपाल से भागा भोपाल से गया फिर भारत से और आखिर में वो दुनिया से भी चला गया लेकिन हम उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाए और हम हमारा कानून और हमारे राजनेता इसका कुछ नहीं पाए इस रात भोपाल की हवा में घुला जहर अब उतना खतरनाक नहीं है लेकिन बत्तीस साल बाद नेपाल की चौथी पीढ़ी भी इस औद्योगिक आतंकवाद के नतीजे जटी हुई है नेपाल गैस त्रासदी को औद्योगिक जगत का हिरोशिमा नागासाकी परमाणु प्रमाणी बम कांड भी कहा जाता है लेकिन हम जोर देकर ये कहना चाहते हैं कि ये घटना त्रासदी हादसा या फिर लापरवाही नहीं थी बल्कि ये सीधे सीधे औद्योगिक आतंकवाद था दो दिसंबर उन्नीस की रात भोपाल के आसमान में छाई मिठाई लाइसो सैनियट ने पाँच हजार लोगों का दम उसी पल घुट दिया जो बच गए वो आंखों में जलन और सीने में घुटन लिए दौड़ रहे थे भोपाल के लोग जान बचाने के लिए भाग रहे थे तो सरकारी मशीनरी कई राजनेता और अफसर इस औद्योगिक आतंकवाद के गुनहगार यूनियन कार्बाइड के चेयरमैन वॉरेन एंडरसन को कानूनी चंदुल से बचाने के लिए दौड़भाग कर रहे थे एक दिन के लिए हिरासत में रहने के बाद एंडरसन को जमानत मिल गई और वो दिल्ली और मुंबई होते हुए हमेशा के लिए अमेरिका में सुकून बड़ी जिंदगी बिताने के इरादे से उड़ गया छूट गया तो लोकतंत्र का वो चेहरा जिस पर भ्रष्टाचार की मिट्टी पड़ी थी पच्चीस हजार लोगों को मौत के में पहुंचाने वाले एंडरसन का इतनी आसानी से देश से निकल जाना हमारे देश के सिस्टम के मन जोरदार तमाचा था और औद्योगिक आतंकवाद के सामने हमारी सबसे बड़ी हार भोपाल उस रात के बाद हमेशा के लिए बदल गया एंडसर ठेकर में फैला यूनियन कार्बाइड का वो कारखाना आज भी बीस मीट्रिक टन जहरीला रसायन समेत ये केमिकल सलीम के रास्ते लोगों के पीले के पानी तक पहुंच रहा है और भोपाल के लोगों को जहर की धीमी खुराक दे रहा है हादसे के बाद लंबी कानूनी लड़ाई के दौरान सरकार और डाउ केमिकल में बदल चुकी यूनियन कार्रवाई के बीच 715 करोड़ रुपए के मुआवजे का समझौता हुआ यानी हर पीड़ित के हिस्से में करीब पाँच डॉलर यानी करीब तीस हजार रुपए आए इस हादसे की वजह से करीब दो लाख बच्चे विक्रितियों के साथ पैदा सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पंद्रह हजार दो सौ चौहत्तर लोग मारे गए जबकि सरकार कुल पाँच लाख चौहत्तर हजार लोगो को भोपाल गैस त्रासदी का पीड़ित मानती है जिस वारन एंडरसन को उन लोगों का गुनागार बताया जाता है उसने बानवे साल की उम्र तक शर्म शौकत के साथ अपनी जिंदगी अमेरिका के कैलिफोर्निया में समुद्र के किनारे बसे शानदार घर में बिताई उसे ना तो कभी कोई कानूनी नोटिस मिला न कभी वो भारत आया और न कभी उसे भारत लाने की ईमानदार कोशिशें हुई इसी के साथ आतंकवाद से लड़ते रहने वाला हिन्दुस्तान औद्योगिक आतंकवाद के खिलाफ अपनी पहली और सबसे बड़ी लड़ाई हार गया। सितंबर 2014 में एंडरसन मर गया और उसकी मौत भी उस बेजान सिस्टम को झकझोर नहीं सकी जिसमें जान खोटने की कोशिश करते करते पच्चीस हजार भोपालवासी अपनी जान दे चुके हैं okay. तो आई गेस आप सीवियरिटी ऑफ सिचुएशन समझ गए होंगे यह दिखाने का मकसद यह नहीं था कि मैं वीडियो प्ले कर सकता हूं टेक्नोलॉजी इतना एडवांस हो चुका है कि कि आपको समझ में हम वीडियो प्ले कर सकते हैं यह मकसद नहीं था मकसद यह था कि लॉ बनता क्यों है यह समझाना उससे भी ज्यादा मकसद था कि सिस्टम कितना करप्ट हो सकता है बिकॉज लॉ ही सिस्टम ही लॉ बनाती है इंडिया का सिस्टम ही लॉ बनाएगा पर वो कितना करप्ट हो सकता है आप सोचो पच्चीस लोग मर गए पर यह ऑन पेपर है जिन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने वॉरन एंडरसन को बचाया और उसको भेज दिया उन्हीं गवर्नमेंट ऑफिशियल ने फिगर रिलीज किया अगर इन्होंने बोला पच्चीस हजार लोग मर गए तो वी आर वेरी श्योर कि पैंतीस से चालीस हजार लोग तो मर ही गए होंगे दूसरी बात मैं आपको बोलना चाहूंगा दो लाख लोग विकृतियों के साथ पैदा हुए दो लाख बच्चे मतलब आप देखो एक एंटायर जनरेशन भोपाल सिटी का इज डिस्टर्ब इज टोटली डिस्टर्ब और पांच लाख चौहत्तर हजार नियर टू सिक्स लाख पीपल इसके चपेट में आए हैं फिर भी जो कल्प्रिट है वो छूटा घूम रहा था 2014 में उसका डेथ हुआ और हम कुछ नहीं कर पाए 714 करोड़ का जुर्नामा पर पर्सन के हाथ में सिर्फ तीस हजार रुपए यह कहां कहां है एक फैमिली में से कोई मेंबर गायब हो जाता है तो तीस हजार में क्या बात बन जाएगी ऑफकोर्स नहीं बनेगी पर हमारी सिस्टम बेजान थी आप देखो यह किसी भी बॉम्बलास्ट से कम नहीं है उल्टा बॉम्बलास्ट से कई गुना ज्यादा है एक बॉम्बलास्ट में तो पांच से सात लोग मरते हैं वो भी गलत ही है मैं ये नहीं बोल रहा वो सही है वो तो गलत ही है पांच से सात लोग मरना इसके अंदर तो भैया रातों रात चार पांच हजार लोग मर गए थे वहां से लेकर अभी तक के चालीस पैंतालीस हजार लोग मर गए पांच छह लाख रुपए इसके चपेट में आए दो तीन लाख बच्चे अजीब तरीके से पैदा हुए ये जस्टिस नहीं है अब आप देखना इसके खिलाफ इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया मेरा कहने का मतलब क्या है आप समझ जाओगे सिंपल क्यों ये मैंने वीडियो दिखाया और क्यों हम लॉ को देख रहे हैं ये आप समझोगे आप जब तक ये ना समझोगे ना लॉ की जरूरत क्या है तब तक आपको आइडिया क्लियर नहीं होगा अब आप, आप देखो एक्चुअल फिगर्स क्या है पांच लाख लोग कम से कम चपेट में आए हालांकि वो छह लाख है पांच लाख चौहत्तर हजार हम भी हमने फिगर देखा रातों रात दो हजार ढाई सौ ढाई हजार या चार हजार लोग मर गए अभी तक के वो बोल रहे हैं पच्चीस तीस हजार लोग मर गए Concept समझ में आ रहा है एस्टिमेटेड यहां तो मैंने ओल्ड वाला लिया का पर आप देखो ये पूरे पूरे चीज के खिलाफ कोई चीज नहीं उल्टा इसके क्लेम के ऊपर एक्ट बनाया गया आप का नाम देखा हो, भोपाल गैस लीक डिजास्टर प्रोसेसिंग ऑफ क्लेम एक्ट नाइनटीन एटीफ हादसा हुआ में और लॉ लाया गया नाइनटीन में तो भैया इन्होंने पहले 84 में लॉ नहीं बनाया कि भैया ट्रेजडी है ट्रेजडी हो गई तब लॉ आया है तो भैया पहले सिचुएशन आया उसके बाद लॉ आया दुख सिर्फ इतना इस बात का है कि सिचुएशन होने के बाद भी इन्होंने जो लॉ आया लॉ लाया वो इतना वीक था इतना वीक था वो लॉ कि भैया वो उस बंदे को

डाउरी मतलब सबको पता है हुंडा हुंडा पता होगा ये सुनो डाउरी हुंडा अब डाउरी प्रोहिबिशन है हुंडा रोकने वाला है। हुंडा इलिगल है कब डिक्लेयर हुआ इंडिया में 1961 में तो मुझे एक बात बताओ क्या 1961 के पहले डाउरी नहीं था अरे भैया डाउरी तो राजा महाराजाओं के जमाने से चल रहा, रहा है आपने जोधा अकबर मूवी देखा होगा बाहुबली मूवी देखा होगा बाहुबली वाले वैसे हिस्ट्री नहीं है पर जोधा अकबर में आपने देखा होगा कि राजा महाराजाओं के जमाने से मतलब बेटी को तो भेजते ही है साथ में चार हाथी भेजते हैं बीस पच्चीस घोड़े भेजते हैं सेना भेजते हैं ऐसे ड्रम भर भर के सोना भेजते हैं हीरे जवाहरात भेजते हैं तो डाउरी तो तब से चलता आ रहा है तो भैया 1961 का लॉ ये बाद में आया सिचुएशन पहले लॉ बाद में चलो इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको दे बेस्ट एग्जांपल ये फोटो देखा है जरूर देखा होगा सबने कसाब देखा तो होगा ही सबने कसाब वाला फोटो बोलो हाँ है ना ये आदमी ने बॉम्बे में रेलवे स्टेशन पे 300-400 लोगों को गन फायर से मार डाला था उसमें कुछ पुलिस भी थे गन फायर से मार डाला ये भी आपने फोटो देखा होगा संजय दत्त जी इनके ऊपर तो पिक्चर निकली है संजू करके इस आदमी को टेररिस्ट एक्ट के अंदर कंट्रोल किया गया मेरे मेरे को में को समझ में नहीं आता मतलब इंडिया कितना मैन्यपुलेटिव हो सकता है ये मेरे को समझ में नहीं आता मैं कुछ फैक्ट्स आपको सर पूछना चाहूंगा डिसीजन आप लो मैं डिसाइड नहीं कर रहा कि संजय दत्त कल्प्रेट दत् कलप्रिटेन पर मुझे कुछ चीजें बहुत कॉमन सेंस से समझ में आती है यह बंदे ने बोला कि हमने सेल्फ डिफेंस के लिए ए के फोर्टी सेवन रखी सेल्फ डिफेंस के लिए एके फोर्टी सेवन एके फोर्टी सेवन सेल्फ डिफेंस के लिए मेरी जिया आर्मी में है मैं राइफल जानता हूं क्या है वो कर्नल है मैंने देखा है उनको राइफल चलाते हुए मेरे को मालूम है इज इज अ राइफल दैट डेडलीस्ट वेपन और आप उसको सेल्फ डिफेंस के लिए रख रहे हो क्यों सेल्फ डिफेंस के लिए आपको रिवॉल्वर नहीं मिली या सेल्फ डिफेंस के लिए आप सेलिब्रिटी होने के बावजूद भी आपको सिक्योरिटी नहीं मिली आपके फादर तो ऑलरेडी सेलिब्रिटी थे वो अगर अप्लाई करते तो आपको रिवॉल्वर और सेल्फ डिफेंस के लिए सिक्योरिटी तो कभी भी मिल जाती फिर एके एक फोर्टी सेवन क्यों और दिखाया कुछ इस तरीके से गया है पिक्चर के अंदर कि वाह क्या आदमी था तीन सौ चार सौ लड़की और औरतों के साथ संबंध थे सेल्फ डिफेंस में एके एक फोर्टी सेवन रखता था फुल नशेड़ी गंजेड़ी था और हमने मूवी को एप्रिशिएट किया वाह क्या मूवी बनी है ऐसा कैरेक्टर होना चाहिए वाह क्या हम यही सीखते हैं और इसी वजह से वाले आ थे साथ -साथ में, वाले, वाले क्या बोल रहे थे वो है, इसको बिरयानी खिलाओ नालायक आदमी को जिसने 300-400 लोगों को स्टेशन पे मार दिया उसको बिरयानी खिलाओ इच्छा हो गई थी जिस दिन कसाब को हैंग किया ना उस दिन उस ह्यूमन राइट वालों को भी उठा के हैंग कर देना चाहिए था प्रॉब्लम ही खत्म झंझट ही खत्म अब आप देखो इस लॉ का द प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 2002 बनाया गया है लॉ 2002 आपको पता आपको इंडिया में टेररिज्म का ऑलरेडी एक लॉ था 1985 में जिसका नाम था टाड़ा 85 से लेकर 95 में टेररिस्ट ऑर्डिनेंस एंड टेररिस्ट एंड डिस्क्रप्टिव एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट टाड़ा करके लॉ था यह लॉ इतना वीक था इसी लॉ के अंदर नाइनटीन का हुआ था स्टॉक मार्केट के सामने इसी लॉ में और दो तीन बॉम्ब्ला हुए गवर्नमेंट के पास पब्लिक चिल्लाती रही अरे बॉम्बला सारे टेरिज्म के लॉ चेंज करो बॉम्बला सोरे टेरिज्म के लॉ चेंज करो गवर्नमेंट पॉलिटिशियन हिले नहीं दो में जब पार्लियामेंट के साइड में बम फटा पार्लियामेंट के साइड में बम फटा तब इनकी फटके हाथ में आई ठीक है तब इनको लगा अभी ये तो पार्लियामेंट तक के बम फोड़ने के लिए आ गए फिर उन्होंने 2002 में लॉ बनाया आप देखो ना 2001 में बम फटा कैसे कहा दो लॉ में चुपचाप लॉ आ गया कैसे ऐसे हो सकता है मतलब सिस्टम ही करप्ट है भोपाल का स्ट्रेटेडी ले लो या प्रिवेंशन ऑफ टेरिज्म इनको फर्क नहीं पड़ता अभी यहां आ गए क्या साइड में बम फटा क्या हमारे नीचे बम फटा अब बनाएंगे हम लॉ दो में यह है प्रिवेंशन ऑफ टेरिज्म एक्ट सिचुएशन आई पार्लियामेंट के साइड में बम फटा तब जाके इन्होंने लॉ बनाया तो है तो भैया एवी लॉ नहीं बनता सिचुएशन डिमांड्स द लॉ सिचुएशन है तो लॉ है यही सत्य है पूरी दुनिया का यही सत्य है लॉ का सिचुएशन होगी तो लॉ होगा किसी को टाइम पास करने की इच्छा नहीं है अगर दुनिया में टेरिस्ट नहीं रहते इंडिया में टेरिस्ट नहीं रहते तो हम टेरिज्म का लॉ नहीं बनाते थे हमने कभी नेपाल के लिए टेरिज्म का लॉ नहीं बनाया कभी हमने भूटान के लेटरिज्म का लॉ नहीं बनाया क्योंकि वो लोगों ने कभी हमारे यहां टेरिज्म किया ही नहीं चाइना के लिए भी टेरिज्म का लॉ नहीं है क्योंकि चाइनीज लोग टेरिज्म नहीं करते वो सीधा वॉर करते हैं समझ में आ रहा है तो ये चीज को आपने बड़े अच्छे तरीके से याद रखना तो एक सेंटेंस आपने अभी के अभी नोट डाउन करके रखना है जो बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है हर लॉ के लिए दुनिया के किसी भी लॉ के लिए वो ये है और इसके नीचे फिर हम एग्जाम्पल लिखेंगे आपको अगर समझ में आया तो मुझे लाइक ठोक दीजिए वहां पर और साथ साथ में यहां बता दीजिए कि क्या आपको अभी तक जो समझा है वो समझ में आया क्या प्लीज कृपया लिख लीजिए शाबाश कोविड नाइनटीन एक्ट टू थाउजेंड टू ट्वेंटी ट्वेंटी जानदार थैंक यू सो मच गाइज थैंक यू सो मच जितने लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं थैंक यू सो मच शिवम दिव्या तेजस्वी हर्षिता दीपेश चार्टर्ड दुर्गा कृष्ण कुमार वंश अविरल उमंग प्राची थैंक यू सो मच गाइस अरे हाँ 200 लोग हो गए थे क्या बात है शानदार करण प्रियांशु यश यू सो मच अनुज भावेश दर्शना सस्ता हैकर ये कैसा नाम है सस्ता है कर थैंक यू सो मच सस्ता है कर बिकॉम कैसे करे बी करने का सबसे सिंपल टिप है बेटा बिना कॉलेज जाए एग्जाम दे दो बात खत्म <laughs> हमने भी वैसे ही किया था साक्षी थैंक यू सो मच यस थैंक यू सो मच लिख लिया सबने सेंटेंस ये सेंटेंस अगर आपका सबका लिखना हो चुका हो बच्चों तो इसके नीचे सिर्फ वो लॉज के नाम लिख लो जैसे ये लॉ मैंने आपको बोर्ड के ऊपर दिया है इसका आपको सिर्फ नाम लिखना है इसका सिर्फ नाम लिखना है भोपाल गैस लीक डिजास्टर प्रोसेसिंग ऑफ क्लेम एक्ट ये सब नाम लिखना है आपने पूरा नहीं लिखना है सिर्फ नाम तीन नाम लिख के रखो आइडिया आ जाएगा ये नाम लिख लिया दूसरा प्रोहिबिशन डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 ये भी नाम लिख लो लिख लिया सबने तीसरा Prevention ऑफ टेरिज्म एक्टिविटी 2002 ये भी नाम लिख लो प्रिवेंशन ऑफ Activity 2002 ये भी नाम लिख लो, लो. असलम पटेल ने सवाल पूछा है बहुत खतरनाक सवाल है असलम पटेल का सर सीए कैसे क्लियर करे बिना पढ़े भैया सवाल आया है कमेंट में मैं बोलना चाहूंगा एक बड़ा इतना अच्छा सवाल मैंने लाइफ में ना देखा सर सीए कैसे क्लियर करे बिना पढ़े मैं चाहूंगा कमेंट में ही इसके आंसर दे दीजिए असलम भाई जी को असलम भाई जी आपका सवाल हमारी सराखों के ऊपर पर हमें भी आज तक ऐसा कोई तरीका नहीं पता गूगल को भी नहीं पता कि बिना पढ़े कि सीए कैसे कंप्लीट करे ठीक है तो बता दीजिएगा आगे चलो थैंक यू सो मच गाइज थैंक यू सो मच ईशान ओके

तो मेन नोट्स आपको मिलेंगे मेन नोट्स के अंदर आपको दो मॉड्यूल मिलेंगे पहला आपको मॉड्यूल मिलेगा कंपनी लॉ का और दूसरा आपको मॉड्यूल मिलेगा अदर लॉ का एंड बिलीव मी दीज आर द बेस्ट मॉड्यूल बहुत सारे बच्चों ने मेरे को सवाल पूछा था सर क्या इसमें मॉड्यूल का लैंग्वेज है हाँ तो इसमें नॉर्मली मॉड्यूल का लैंग्वेज दिया है हमने मैक्सिमम जगत पे लेकिन जहां पे एनालिसिस वगैरह करना जरूरी है वहां पे मैंने चार्ट्स पाई चार्ट्स, बार प्रेजेंटेशन अलग अलग टाइप के प्रेजेंटेशन दिया मैं अभी आपको डेमो ओपन करके दिखाऊंगा नोट्स का तो आपको आइडिया आएगा सो so, मॉड्यूल की लैंग्वेज हमने यूज की है दूसरा ये पूरे कलरफुल नोट्स है थोड़ा कलरफुल नोट्स हमने इस थीम में बनाए वी स्मार्ट का एक फोटे रहा है कि हम नॉर्मली कलरफुल नोट्स बनाते हैं इस हिसाब से कि बच्चों को थोड़ा पढ़ने में मजा आए वही ब्लैक एंड व्हाइट नोट्स में आप भी बोर हो जाओगे मैं भी बोर हो जाऊंगा तो कलरफुल नोट्स है काफी अच्छे नोट्स है फिर आपको एक क्वेश्चन एयर मिलेगा यह क्वेश्चन एयर में पास्ट सभी एग्जाम के पास फ्रॉम नवंबर 2002 से लेके तो नियरली नवंबर 2019 तक के सभी सवाल दिए हैं जो आपके लिए अपलीकेबल है नवंबर 2002 से लेके नवंबर 2019 तक मे 20 में एग्जाम ही नहीं हुआ टेंशन so ही नहीं है और नवंबर का तो अभी हुआ तो उसके टेस्ट पेपर हम यूट्यूब के ऊपर डिक्लेयर कर लेंगे क्वेश्चन पेपर तो 19 तक का सब कुछ है नवंबर 20 दिसंबर 20 का जो क्वेश्चन पेपर है वो इसके अंदर अभी इंक्लूड नहीं किया है वो सेपरेटली हम यूट्यूब ले एक बार कंसेप्ट हाँ तो है और इसमें से मैं ये बोल रहा हूं सिक्सटी सेवेंटी परसेंट क्वेश्चन कम से कम हम क्लास डिस्कशन में करेंगे आंसर राइटिंग में करेंगे ये मिनिमम है इसके ऊपर हो सका तो हम एटी नाइनटी परसेंट तक के भी जाने की कोशिश करेंगे इस बार के बैच से इसके अंदर हम ये इंप्लीमेंटेशन कर रहे हैं क्लियर है कि पहले कंसेप्ट पढ़ाएंगे फिर उसके क्वेश्चन पढ़ेंगे उसके हिसाब से आंसर राइटिंग पॉइंट लिखेंगे इसके एडिशन में क्वेश्चन एयर तो आपका हो गया इसके एडिशन में एक और चीज आपको मिलेगी वो है चार्ट अच्छा क्वेश्चन एयर ब्लैक एंड व्हाइट कलर में रहेगा बहुत सारे बच्चों बोलते हैं सर क्वेश्चन आपने कलरफुल कलरफुल नहीं क्वेश्चन एयर ब्लैक एंड व्हाइट है क्वेश्चन एयर में कलर डाल के जिंदगी में क्या फायदा क्योंकि वहां पे कोई कंसेप्ट भी नहीं है तो हमने ब्लैक एंड व्हाइट ही रखा है ठीक है दूसरा है चार्ट तो दो से तीन हमारे नॉर्मली हम प्रिपेयर कर रहे हैं वो भी आपको यहाँ पे दे दिए जाएंगे जैसे दो तीन चैप्टर के हमारे चार्टे वो भी आपको आपके साथ मिल जाएंगे तो ये ओवरऑल हम कर रहे हैं फॉर द पर्पज ऑफ आपका रिविजन इसके भी एडिशन में अगर कोई चीज निकलती है तो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी मिनिमम इतना तो गारंटीड है क्लियर टाइम टू टाइम हम नई नई चीजें बनाते हैं तो वो भी आपको हम प्रोवाइड करेंगे क्लियर अब मैं इसमें से कुछ चीजें आपको ओपन करके दिखा दू किसी को लिखना है तो वो लिख सकता है बट पहले मैं चीजें ओपन करके दिखा दू जैसे आपने अभी जो नोट्स डाउनलोड किए होंगे जो मैंने आपको डेमो में दिए काफी अच्छे नोट्स है देख के ही आप परेशान हो जाओगे दीज आर अवर नोट्स फॉर बेसिक्स ऑफ लॉ ठीक है मतलब आज जो मैंने आपको लॉ क्या होता है ये सब जो मैंने आपको बोर्ड के ऊपर दिखा है ना वो सब इसके अंदर मैंने दिया है और नॉर्मली मैं जो बोर्ड पे दिखाऊंगा वो कलर फॉर्म में हमारे ये नोट्स है हमारे इसके अंदर जैसे भोपाल गैस डाउरी टेररिज्म ये भी मैंने दिया है फिर कल जो पढ़ाऊंगा वो भी इसके अंदर है फिर लॉ कैसे पास होता है इंडिया में उसका पूरा सिस्टम दिया है भैया सेंट्रल लॉ कैसे पास होता है स्टेट लॉ कैसे पास होता है ये पूरा सिस्टम इसके अंदर मैंने देख रखा है फिर जम्मू कश्मीर का हिस्ट्री मैंने इसके अंदर देख रखा है जम्मू कश्मीर का धारा तीन अभी तो ये नहीं है तो इसका ब्रीफ एक्सप्लेनेशन मैं आपको छोड़ दूंगा क्यों धारा तीन और ये सिर्फ पहला चैप्टर नहीं है आप कोई भी चैप्टर उठा के देख लोगे सभी नोट्स कलर है और इसी फॉर्म में मैंने आपको दिए है ठीक है फिर अगर मैं बोलू तो इस टाइप के चार्ट आपके इसमें मैंने देख रखे दीज आर कॉन्ट्रैक्ट वगैरह के चार्ट है ये तो सीपीटी का है पर आपके चार्ट कलरफुल आएंगे ये तो ब्लैक एंड व्हाइट क्रिएट किया था मैंने फाउंडेशन के लिए फिलहाल ये दिख रहा था इसलिए मैंने ओपन कर दिया फिर उसके बाद में अगर हम बोले तो नियरली सभी नोट्स हमारे सभी के सभी भी नोट्स पूरे कलरफुल है यह दूसरा चैप्टर बेसिक्स ऑफ कंपनी लॉ वाला जिसके अंदर अलग अलग चार्ट बनाए हैं डिफरेंट लेवल जिस तरीके से प्रेजेंटेशन देना जरूरी है हर तरीके से यहां पर दिया है क्लियर है ये चीज को आपने याद रखना जैसे मैंने बोला ब्लैक एंड व्हाइट क्वेश्चन आपको मिलने वाला है तो मैं क्वेश्चन भी ओपन करके दिखा लू दिस इज सिंपल क्वेश्चनअर ब्लैक एंड व्हाइट ब्लैक में आपके बोल्ड में क्वेश्चन रहेंगे उसके नीचे उसके मॉडल आंसर दिए हैं और ये नियरली ढाई सौ तीन सौ पेजेस का है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इसके अंदर कवर्ड है आरटीपी एमटीपी सब मिला के क्लियर है तो ये आपको काफी बेनिफिशियल होगा ऐसा है कि ये क्वेश्चन आप पढ़ लो तो आपका पचास से साठ मार्क का पेपर तो देखा हुआ आएगा क्लियर दैट इज फॉर श्योर ये चीज को आपने बड़े अच्छे तरीके से याद रखना है ठीक है तो इतनी चीजें हम हमारे तरफ से दे रहे हैं आई गेस नया कंसेप्ट आज शुरू कर नहीं पाएंगे क्योंकि एक बार शुरू किया तो उसके डिस्कशन में ही है, आधा ही पौन घंटा निकल जाएगा बिकॉज नया कंसेप्ट है फैक्टर्स ऑन विच लॉ इज बेस्ड सो आज मैं डेढ़ घंटे ही टेंटेटिवली आपकी क्लास ले रहा हूं ठीक है सो so, आज के लिए हम इतना काफी करते हैं आपको लेक्चर कैसा लगा वो जरूर मुझे बताइएगा और लाइक ठोकीयेगा आपके फ्रेंड्स को बताइएगा अगले दस लेक्चर क्योंकि हम लाइव लेने वाले हैं आपके फ्रेंड्स को बताइएगा उनको बताइएगा कि किस तरीके से हमारे बुक्स एक जनवरी से अवेलेबल होना शुरू हो जाएंगे तो आपको डिलीवरी भी लेना मिलना शुरू हो जाएगी फ्रॉम द फर्स्ट जनवरी ये चीज को आपने याद रखना है आज आप मेरे लेक्चर के अंदर आए इसलिए थैंक यू सो मच आई होप स्पीड ठीक थी अगर आपको स्पीड के बारे में भी कोई कंसर्न है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं लेक्चर के बारे में कोई कंसर्न या क्वेरी है तो लेक्चर रेंडर होने के बाद आप कमेंट में मुझे उसको बता सकते हैं थैंक यू सो मच मुझे भी पढ़ाने में मजा आया अगर आपको पढ़ने में मजा आया तो मुझे भी पढ़ाने में मजा आया है थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर दिस दर्शन खरे साइनिंग आउट गुड डे गॉड ब्लेस यू टेक केयर